बेटी, मैं अपना बच्चा अपने दिल का टुकड़ा छोड़कर जा रही हूँ, जिस बदनसीब औरत का पति मंदिर में शादी करके भी उसे अपनाने को तैयार ना हो सका, और उसके बच्चे को कैसे साथ रख सकती, दुनिया उस बच्चे को कैसे जीने देगी, अब इसका भविष्य आपके हाथों में। यशोदा, सावित्री देवी जी, ये बच्चा इतना क्यों रो रहा है? रोई नहीं बेचारा तो क्या करे, माँ के बगैर इतना सा बच्चा कभी रह सकता है? माँ के बगैर? हाँ लक्ष्मी भाई, इसकी माँ इसे छोड़कर चली गई, इस बच्चे के बाप ने उसे धोखा दिया। इसमें बच्चे का क्या दोष है? मुझे खुशी है कि तुम भी मेरी तरह बच्चे को निर्दोष मानती हो, ये भी तुम्हारे ही बच्चे जितना है, इसे दूध पिला दो तो उपकार होगा। उपकार तो आपका है जो आपने अपने आश्रम में मुझे जगह दी, एक गरीब पुलिसमैन की विधवा को कौन सहारा देता। लाइए इसे मैं दूध पिलाती, ये तो धर्म का काम है। हमें गुड मॉर्निंग, मुझे कैलाशनाथ गुप्ता कहते हैं। आपने यशोधरा नाम की जिस महिला को अपने यहाँ आश्रय दिया है वो मेरी पत्नी है। आपकी पत्नी? जी हाँ, ये देखिए हम दोनों की फोटो। अच्छा, तो आप हैं वो महेश जी? इसकी जिंदगी को बर्बाद करके अब उसे पत्नी बनाने आए हैं? आपका गुस्सा वजह है, मैं ही वो बुजदिल हूं जो अपने घर वालों के डर की वजह से यशोधरा को अपना ना सका और उस बेचारी को यहां आना पड़ा। आज मैं उससे माफी मांग के उसे अपनाने आया। बहुत देर से आए हैं आप। क्यों, खैरियत से तो है वो? ये चिट्ठी पढ़िए, आपको सब मालूम हो जाएगा। ओह माय गॉड, ये क्या हो गया? न जाने वो बेचारी कहां और किन हालात में जिंदगी काटेगी, लेकिन वो जहां भी हो मैं उसे ढूंढ निकालूंगा, चाहे उसकी तलाश करने में मेरी जिंदगी ही क्यों ना गुजर जाए। अपना बच्चा माय सन, थैंक यू सावित्री देवी, थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं, मैंने अपना पता लिख दिया। गुड मॉर्निंग डैड, सुबह की सैर के लिए जा रहा हूँ डैडी। आप ही ने तो कहा था सुबह सुबह सैर अच्छी होती है। तो क्या यही मैंने कहा था कि सुबह सैर के बैल हुए रात को 9 बजे आना?
कभी आधी रात को आना और कभी अगले दिन शहर जाने के वक्त घर लौट कर आना। विजय, ये क्या चोरों की जिंदगी बना रखी है तुमने? डैडी, आजकल चोरों के पीछे तो मैं भागता। क्या मतलब? मैंने नौकरी कर ली है। क्या कहा, नौकरी? हाँ डैडी, 3 महीने में मैंने सीआईडी में नौकरी कर ली है। दिमाग तो नहीं फिर गया है तुम्हारा? नौकरी का क्या मतलब हुआ, और वो भी सीआईडी में? सात पुश्तों से हम बिजनेस करते आए हैं, हिंदुस्तान के बड़े बड़े शहरों में मेरा कारोबार फैला हुआ है, और तुमने नौकरी कर ली है, क्या ढेर है। जरा मैं भी तो सुनूं, क्या तनख्वाह मिलेगी? 300 रुपया, 300। शर्म नहीं आती? इतनी तनख्वाह तो मैं अपने ड्राइवर को देता हूँ। भला तुमने कभी ये भी सोचा कि दुनिया क्या कहेगी कि कैलाशनाथ गुप्ता का लड़का 300 रुपल्ली का नौकर है? डैडी, बात रुपयों की नहीं, बात तो अपना मनपसंद काम की है, और मैं चाहता हूँ इस देश से चोरी चोरी रुपया हड़प करने वालों को गिरफ्तार करूँ, स्मगलर और चोरों को हमेशा के लिए यहाँ से खत्म कर दूँ। डैडी, उस दिन आपको मुझ पर मान होगा कि मैं आपका बेटा हूँ। मैंने तेरे लिए क्या क्या सोचा था, क्या क्या प्लान बनाए थे, तूने मेरा दिल तोड़ दिया है। क्या हुआ साहब? इसकी बैटरी शायद डाउन है, आप दूसरी गाड़ी में बैठिए। साहब इसकी भी डाउन है, उस गाड़ी में चलिए। माफ करना था, क्या पहले मैं गाड़ी स्टार्ट कर दूं? एक मिनट, एक मिनट साहब, इसकी भी बैटरी डाउन हो गई है। कमाल है, तीनों गाड़ियों की बैटरियां एक साथ डाउन हो गई। हाँ, क्योंकि साहब वो तीनों गाड़ियों की बैटरी एक ही कंपनी की है। चार्ज करा के क्यों नहीं रखते? अब मैं दफ्तर कैसे जाऊं? गोगो, अगर आइंदा इसकी गलती की तो नौकरी से बाहर निकाल दूंगा। क्या बात है कैलाशनाथ, गोगो को क्यों डांट रहे हो? ये तो बड़ा अच्छा लड़का है। अच्छा हो यार रमेश लामा तुम आ गए, वरना मुझे टैक्सी में जाना पड़ता, देखो ना क्या हाल है। 3-3 गाड़ियां हैं और सबकी बैटरियां डाउन है। इतना गुस्सा नहीं किया करते, आओ मेरी गाड़ी में चलो, मैं तुम्हें ऑफिस छोड़ देता हूँ। गोगो जी। अंकल देखो बेटा, आइंदा ख्याल से काम किया करो, ऐसी गलती कभी नहीं करना। अंकल, अंकल मैं आपके चरण छूना चाहता हूँ। जीते रहो बेटा, जीते रहो। बच गए, बच गए बेटा, नसीब से बच गए। आज तुम नहीं तो डैडी ने तुम्हारा टिकट कटवा दिया था। विजय भैया, आज तो फुट्टा मारना ही था, इसलिए मैंने तीनों गाड़ी की बैटरियां डाउन करके रख दी। पर ये काम के वक्त तुमने छमछम के साथ प्रोग्राम क्यों बनाया? इश्क पर जोर नहीं है ये वो आतिश खालिद के, लगाए ना लगे और बुझाए ना बने। विजय भैया आप बात मत करिए, फौरन मेरे साथ चलिए। आपको मालूम है ना आज आपको क्या करना, आज आप मेरे ड्राइवर और मैं आपका मालिक। जरा छमछम पे मेरा सिक्का जमा दो। तू फिक्र मत कर, एकदम जमा दूंगा। चल भाई चल। आप इनके गले नहीं लग सकते। कौन है ये? ये मेरा ड्राइवर है। हमारे साहब को गले लगाया है, मुझे भी गले लगाइए। क्या बकते हो, मैं तुम्हारे गले लगूं? तुम इसे अपने गले लगाओगे? भूल गए वो दिन, बचपन में क्या तय हुआ था? बचपन में क्या हुआ था? जो काम करेंगे एक साथ करेंगे। डार्लिंग देखो, ये तो बच्चों जैसी बात है, मामूली सी बात है। तुम एक बार इसके गले मिल जाओ, सुनो तुम एक बार इसके गले मिल सकते हो, लेकिन शराफत की दीवार बीच में रख के मिलो। ठीक है। क्या कर रहा है, किधर है, इधर आ। इतनी दूर से गले मिलने के लिए किसने कहा था? तुम इसे जल्दी नौकरी से निकाल दो, वरना मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। निकल जाओ नौकरी से। क्या बक रहा है? नहीं। ड्राइवर साहब, क्या मैं आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि आप अभी इसी वक्त मेरी नौकरी छोड़ के चले जाइए? क्या मेरे बाप, जरा समझने की कोशिश करो, पहली बार पुट्टी बताइए, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, तुम्हारे पाँव भरता हूँ। क्या तुम अपने ड्राइवर के भी पैर पड़ते हो? पैर? हट हट। नहीं डार्लिंग, बात दरअसल ये है डार्लिंग कि मैं एक सच्चा समाधी हूँ। समाधी? मेरा मतलब है समाजवादी हूँ। मैं नौकर को नौकर और मालिक को मालिक नहीं समझता,
इंसान और जानवर में कोई फर्क नहीं समझता। अगर मैं इसको एक तमाचा मारने का हक रख सकता हूँ तो ये भी मुझे एक मारा लात मारने का हक रखता है। तुम इसे अपने ड्राइवर कहते हो? बात दरअसल ये है डार्लिंग कि जब मेरे दादा मर रहे थे तब इस बिचारी की दादी ने मुझसे कहा था कि मेरे गोगो का ख्याल रखना। तब से मैंने इसे इतना मुंह पे चढ़ा रखा है और ये ऐसी ऐसी हरकतें करता है। मेरी समझ में कुछ नहीं आता। माफ कीजिएगा साहब, मैं आप लोगों के झगड़े में नहीं पड़ना चाहता। ठीक है, हमने तुमको माफ किया। ठीक है। मैंने आज तक ऐसा ड्राइवर नहीं देखा। आइंदा देखोगे भी नहीं। मैं कल ही इसका हिसाब चुकता कर दूंगा। लेकिन डाली तुम मेरा भी तो हिसाब चुकता करो। अपने पिताजी के साथ, मेरा मतलब जटाधारी जी के साथ में मेरी मुलाकात करवा दो। जटाधारी जी पहला दिन। जीते रहो बेटा। जी अगर आपको मालिश का इतना ही शौक है तो आपने मुझसे क्यों नहीं कहा? मैं आपकी ऐसी चंपी करता कि आपको चंपा कली बना देता। क्या? मेरा मतलब था कि चंपे की कली की तरह हल्का फुल्का बना देता। मुझे यकीन नहीं आता कि तुम जैसा रईस इस गरीब फकीर की कुटिया में आए। क्या कुटिया? किंतु धरती के जिस कोने पर आप जैसा महापुरुष और छमछम जैसी हसीन कन्या रहती हो, ये तो ऐसे हुआ जैसे कि लेटेस्ट मॉडल की कार। मैंने तो फैसला कर लिया था कि शादी के बाद मैं भी इसी मॉडल में आकर रहूंगा। मैं तो सोच रहा था कि शादी के बाद तुम्हारे महल के किसी कोने में मैं पड़ा रहूंगा। विजय, हम बाबूजी को अपने साथ ही रखेंगे। हाँ, वैसे आपको फ्रंट सीट पसंद है या बैक सीट पसंद है? बेटा मुझे फ्रंट सीट नहीं चाहिए, बैक सीट नहीं चाहिए, मैं तो डिक्की में काम चला लूंगा। जटाधारी जी, वैसे ये पुराना डब्बा, मेरा मतलब पुराना मॉडल कौन है? क्या रखते हो, सामान संभाल कर बात करो। रईस हो गए तो अपने घर में। मेरा नाम दीनदयाल है। तो दीनदयाल जी, एक दयालु काम करिए, 10 का पत्ता निकालिए, क्योंकि हम ड्राइवरों की यूनियन को चंदे की जरूरत है। हम ड्राइवर? अब मेरा मतलब है मेरे ड्राइवर की यूनियन को चंदे की जरूरत है। अरे शुभ काम में ये क्या हाथ बटाएगा? जटाधारी जी, मैं और छमछम, हम दोनों वो सब काम कर चुके हैं जो आजकल के लोग शादी से पहले करते हैं। क्या क्या कर चुके हैं? जी यही के एक दूसरे के करीब आना, एक दूसरे को पहचानने की कोशिश करना, टटोलना। अब इस सिलसिले को खत्म कर देना चाहिए। सिलसिले को खत्म करना चाहिए? हाँ, ये सिलसिला खत्म होगा तब तो दूसरा सिलसिला शुरू होगा। दूसरा कौन सा सिलसिला? मेरा मतलब नया मॉडल, फैमिली प्लानिंग। हाँ, ट्रांजिस्टर वाला। बेटा शुभ काम में देर नहीं होनी चाहिए। जटाधारी जी, जरा मेरी बात सुनिए। टाइम नहीं है, बहुत जरूरी बात है। टाइम नहीं है। अरे क्या कर रहे हो? जटाधारी जी, इस आदमी की बातों से साफ जाहिर होता है कि ये कैलाशनाथ गुप्ता का बेटा नहीं है, ड्राइवर लगता है। ड्राइवर? गांजा तो नहीं पी के आए? आप इससे कहिए कि शादी से पहले आपको अपने पिताजी से मिला दे, सच्चाई सामने आ जाएगी। बाबूजी आएंगे ना? छोड़ो। कम इन। विजय, अपने घर कब ले चलते हो? घर? घर किस लिए? पिताजी से मिलाने के लिए और छमछम को उन्हें दिखाने के लिए। मर गए? मर गए? नहीं, मेरा मतलब है वो महाराष्ट्र में एक गांव है ना जिसका नाम है मरे गए। मेरे पिताजी मरे गए हैं। मरे गए? वहां गए? हाँ, लेकिन आप मेरे पिताजी को जानते? नहीं नहीं, उन्हें कभी आपने देखा, दर्शन हुए? नहीं नहीं, उनका दर्शन अभी तक हुआ नहीं। होंगे भी नहीं। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि मैंने अभी तक आप लोगों को मिलाया नहीं है। विजय, मैं और बाबूजी तुम्हारे घर बुध के दिन आएंगे। बुध और सब काम शुद्ध? हाँ जी, बुध और सब काम शुद्ध। हाँ। लेकिन बुध तो बहुत जल्दी आ रहा है। हाँ। बुद्धि नहीं चल रही है। हाँ। लेकिन आप लोग बुध को जरूर आइएगा। हाँ। जरा लेट आइएगा। क्यों? क्योंकि मेरे पिताजी सो के जरा लेट उठते हैं। हाँ। उन्हें उठाना पड़ेगा, उन्हें बनाना पड़ेगा। बनाना पड़ेगा? मेरा मतलब है मनाना पड़ेगा। हाँ। आप लोग बुध को आइएगा, प्लीज बुध को आइए। विजय, मुझे तुम्हारा काम देखकर खुशी होती है। तुम एक अच्छे सीआईडी ऑफिसर साबित हो रहे हैं। जो केस मैं तुम्हें अब देने वाला हूं वो काफी मुश्किल है, उसकी सच्चाई का पता नहीं चलता। सर, सच्चाई हीरे की तरह होती है और हीरा जितना बड़ा हो उतना ही पत्थर का जिगर काट के इसे पाना पड़ता है। वेरी गुड। पिछले 2 वर्षों से यह केस हल होने में नहीं आता। मेरे कई ऑफिसर्स हार मान चुके हैं, उनमें से कोई विजय नहीं था। मुझे बताइए क्या केस है। 2 बरस पहले एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन अचानक गायब हो गया। वो अभी तक लापता है। न जाने उसे जमीन खा गई या आसमान निकल गया या किसी ने उसका खून कर दिया। हो सकता है। ये रही उसकी फाइल और ये रहा उसका फोटो।
कविता तैयार हो गई? जी बस तैयारी समझी। सुनो जल्दी से कार निकाल। बहुत अच्छा। कविता, कविता बेटी आई। आंटी अच्छा आंटी आशीर्वाद दीजिए। नहीं बेटी पांव छूकर मुझे शर्मिंदा मत करो। पांव तो सगे संबंधियों के छुए जाते हैं। मैं तो केवल तुम्हारी आया हूं। फिर अपने आप को आया कहा तो कभी बात नहीं करूंगी। आपने मुझे माँ का प्यार दिया है। एक बिन माँ के बच्चे के लिए इससे बड़ी देन क्या हो सकती है। लेकिन बेटी मानती हूँ पापा ने आपको इस घर में मेरी आया के तौर पर रखा था, लेकिन मैंने हमेशा आपको अपनी माँ के समान समझा है। और आज दो साल से जब से पापा का कुछ पता नहीं चल रहा, मेरे लिए आप ही सब कुछ है। पापा कहाँ चले गए आप? मैं वादा करती हूँ जब तक आपको ढूंढ न लूँ चैन का सांस नहीं लूंगी। कविता आंटी कुछ नहीं जाने दो। क्या बात है आंटी बताइए ना, कुछ पापा के बारे में है? तो उन्हीं के बारे में। लेकिन लेकिन क्या बोलिए ना, क्या बात है, चुप क्यों हो गए? सोचती हूँ कहूँ या न कहूँ, आज कई दिनों से इसी उलझन में हूँ। बताइए आंटी, मैं बुरी से बुरी खबर सुनने को तैयार हूँ आपको मेरी कसम। अभी पिछले दिनों दीवान साहब तुम्हारे अंकल यहाँ आए हुए थे। जिस दिन वो जाने लगे तो उनको एक फोन आया था, गलती से मैंने ये फोन उठा लिया। दूसरे कमरे में दीवान साहब रिसीवर उठा चुके थे। मैं फोन रखने ही लगी थी कि उस पर एक बात सुनकर थक से रह गई। कोई अशोक नाम का आदमी दीवान साहब से तुम्हारे पापा के बारे में बात कर रहा था। याद रहे दीवान साहब, श्याम कुमारी ये राज जानता है कि आपके सौतेले भाई और पार्टनर को क्या हुआ। ऐसी बातें फोन पर नहीं किया करते अशोक, दीवारों के भी कान होते। मैं फौरन बॉम्बे पहुंचकर तुमसे मिलता हूँ। इसका ये मतलब है कि पापा के गुम हो जाने में मेरे अंकल का हाथ है, और वो जो कहीं श्याम कुमार है उसी को पता है पापा कहाँ है। न जाने वो कहाँ होंगे, साल में होंगे। पर मुझे ऐसा लगता है तुम्हारे अंकल ने अशोक के साथ मिलकर तुम्हारे पापा से विश्वासघात किया है, और श्याम कुमार उनके पाप का राज जानता है। अगर ये सच है तो मैं बॉम्बे पहुंचते ही श्याम कुमार से मिलकर सारी बात का पता लगाऊंगी। तुम तो जानती हो बेटी कि मैंने भाई साहब की तलाश में कोई कसर उठा नहीं रखी। हद तो यह है कि पुलिस भी उन्हें नहीं ढूंढ सकी। लेकिन तुम फिक्र ना करो बेटी, जब तक मेरे दम में दम है मैं उनका पता लगाकर ही छोड़ूंगा। साहब आपका फोन आया है। अभी मुझे फोन आया, मेरे एक दोस्त का एक्सीडेंट हो गया, मुझे फौरन अस्पताल पहुंचना। और इधर मैंने अपने एक बिजनेस पार्टनर को लंच पर बुलाया, तुम उससे मेरी तरफ से माफी मांग लेना और कहना लंच की बजाय आज रात का खाना वो हमारे साथ खाए। हम तो पेंटिंग के लिए जा रहे हैं अंकल, और पहले ही देर हो गई है। बेटी 5 मिनट और इंतजार कर लो, वो आता ही होगा। पर अंकल आपने उनका नाम ही नहीं बताया। उसका नाम है श्याम कुमार। और कितनी देर इंतजार करना पड़ेगा? मैं श्याम कुमार से मिले बगैर नहीं जा सकती, मेरा उससे मिलना बहुत जरूरी है। ऐसा भी क्या कविता, कौन है ये श्याम कुमार? हमें पिकनिक के लिए देर हो रही है। वो आ गया श्याम कुमार। Excuse me, दीवान साहब घर पे है? वो घर पर नहीं है, मगर आपके लिए मैसेज छोड़ गए हैं। मेरे लिए मैसेज? वो आपका लंच पर नहीं डिनर पर इंतजार करेंगे। डिनर पर? मैं आपका मतलब नहीं समझा। उन्हें बहुत जरूरी काम था, उन्होंने कहा कि मिस्टर श्याम कुमार आए तो। श्याम कुमार? ओ श्याम कुमार, और आपने फौरन मुझे पहचान लिया कि मैं श्याम कुमार? देखिए मैंने कैसे पहचान लिया। दाद देता हूँ आपके पहचानने की। वैसे भी आपको देखकर आपसे मिलकर जी खुश हो गया। अंकल ने कहा। अजी छोड़िए अंकल की बात, आप अपनी बात कीजिए ना। हम झील पर जा रहे हैं, अगर आप कुछ ना कर रहे हो तो हमारे साथ पिकनिक पर आइए।
जी कुछ कर भी रहा तो छोड़कर चला आता। वैसे एक गड़बड़ है, मुझे जरा तैरना नहीं आता, पानी से बहुत डरता हूँ। हम स्विमिंग के लिए नहीं, पेंटिंग के लिए जा रहे हैं। ओ, ये बात है, तो बंदा हाजिर है? Come on, girls, come on, girls. Come on. चलो चलो गाड़ी में बैठो। आपने मेरा नाम तो यूं पहचान लिया लेकिन अपना नाम नहीं बताया। मैं कविता हूँ। बहुत खूबसूरत नाम है, लेकिन आप किसकी कविता है, गालिब की टैगोर की? भगवान की कहिए। फिर तो भगवान की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्या खूबसूरत कविता कही। शुक्रिया। आदम से। और आप ही तो किसी सुंदर मूर्ति से कम नहीं लगते। भगवान भी कभी कभी ऐसी सुंदर मूर्ति बनाते हैं कि बस देखते ही जाइए। तारीफ करने में आप मुझे बाजी। ये चांद किस लिए पहना हुआ है आपने? ज्योतिषी ने कहा था ये चाम मैं पहन लूं तो एक दिन दुनिया की खूबसूरत लड़की से अचानक मुलाकात होगी। जब आप हंसते हैं ना बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जब आप हंसती हैं तो ऐसे लगता है जैसे फूल झड़ रहे हो, फूल झड़ रहे हो। आपकी आंखें भी बड़ी अच्छी हैं। आंखें तो आपकी भी बहुत खूबसूरत है। बेसाख्ता मुंह से निकलता है तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। वाह, ये तो फैज ने कहा था। अच्छा फैज, आप ही कुछ कहिए। जी मैं तो बस कुछ यूं कहूंगा, देखा है तेरी आंखों में प्यार ही प्यार बेशुमार। वाह, शेर पूरा कीजिए। देखा है तेरी आंखों में प्यार ही प्यार बेशुमार, देखा है तेरी आंखों में प्यार ही प्यार बेशुमार, पाया है तेरी बातों में प्यार ही प्यार बेशुमार, देखा है तेरी आंखों में।
मुझको मिल जाएगी तू जैसे लहराए सबा ऐसे लहराएगी तू मैंने सोचा भी न था मुझको मिल जाएगी तू जैसे लहराए सबा ऐसे लहराएगी तू देखा है तेरी आंखों में प्यार ही प्यार बेशुमार पाया है तेरी बातों में प्यार ही प्यार बेशुमार देखा है तेरी आंखों में ओ गाड़ी खड़ी है अंकल भी आ गए आ गए अंकल वेरी गुड आप चलिए मैं जरा ड्रेस चेंज करके आता हूँ बाद में शायद आपसे मुलाकात ना हो सके क्योंकि अंकल के साथ बातचीत में आप बिजी हो जाएंगे इसलिए वादा कीजिए कि संडे के दिन मेरी बर्थडे पार्टी में आप जरूर आएंगे आप ठीक कहती हैं डिनर पे शायद मुलाकात हो सके या ना हो सके लेकिन आपकी बर्थडे पार्टी पर जरूर आऊंगा वादा अंकल मिस्टर श्याम कुमार बड़े इंटरेस्टिंग आदमी हैं हम लोग उन्हें खींच के अपने साथ ही पिकनिक पे ले गए क्या मजा आया हमने उनका गाना भी सुना वो यहाँ खाने के टाइम पर पहुंच जाएंगे मैं भी कभी सुनो बेटी इनसे मिलो ये है मेरे बिजनेस पार्टनर मिस्टर श्याम कुमार नमस्ते मिस्टर श्याम कुमार यस श्याम कुमार मेरा संदेशा ना मिलने की वजह से ये बेचारे सुबह से मेरा इंतजार कर रहे थे फिर वो कौन होगा कोई बैर रुपया मेरा नाम लेकर आपको धोखा दे गया ओह माय गॉड मुझसे ऐसे भूल कैसे हुई खैर आने दीजिए उसको वो अब यहाँ क्यों आने लगा तुम जाओ ड्रेस चेंज करो और आइंदा होशियार रह कौन हो सकता है वो मेरी भी समझ में नहीं आता उसको ऐसा करने की जरूरत क्या थी आप जरा मिस कविता से उसका हुलिया ठीक से पूछ लीजिए मैं उसके पीछे सीआईडी लगा दूंगा वैसे दीवान साहब आपकी भतीजी है बड़ी खूबसूरत क्यों ना हो आखिर भतीजी भी तो मेरी है क्या बात है चाचा हो तो आप जैसा और भतीजी हो तो कविता जैसी अगर वो रोमियो फिर मुझे मिल गया तो जानती हो मैं क्या करूंगी क्या डिलायला ने तो सिर्फ सैमसन के बाल काटे थे लेकिन मैं उस झूठे की जबान काटूंगी तो इसका मौका भी तुम्हें मिल जाएगा संडे को तो वो तुम्हारी पार्टी में आ ही रहा है क्या आप यकीन के साथ कह सकते हैं कि आप अपने भाई साहब के बारे में और कुछ नहीं जानते जो कुछ भी मैं जानता था वो सब आपको बता दिया पता नहीं चला कि भाई साहब का क्या हुआ उनकी किसी से दुश्मनी भी तो नहीं थी कभी कभी ऐसा भी होता है जिसे आप अपना दोस्त समझते हो वही आस्तीन का सांप निकले क्या मतलब हो सकता है आपके भाई साहब को किसी ने जबरदस्ती गुम किया हो जबरदस्ती लेकिन ऐसा क्यों कौन करेगा ऐसा ये तो मैं भी जानना चाहता हूँ दीवान साहब आपको किसी पर शुभ है हाँ मुझे तो सब पे शुभ है जी दीवान साहब जैसे जज की नजर में हर आदमी बेकसूर होता है जब तक वो कसूरवार साबित ना हो जाए ऐसे ही हम सीआईडी वालों की नजरों में हर आदमी कसूरवार होता है जब तक वो बेकसूर साबित ना हो जाए अदालत का तरीका बिल्कुल ठीक है नहीं तो इंसाफ ही ना हो सके लेकिन हमारा तरीका भी गलत नहीं वरना कोई मुल्जिम पकड़ा ही ना जाए कानून की ये बारीकियां तो आप ही समझे मैं तो सिर्फ ये चाहता हूं कि आप मेरे भाई साहब को ढूंढें मैंने आज तक जितने केस लिए उन्हें हल करके छोड़ा है आपके भाई साहब का पता भी मैं लगा कर रहूंगा थैंक यू अशोक अशोक दीवान साहब आइए लोग कहते हैं कि आग से मत खेल मगर मैं कहता हूं कि धुएं से मत खेल क्योंकि धुआं जब आंखों को लगता है तो कुछ दिखाई नहीं देता दीवान साहब मेरी आंखें तो आप क्या देखा है इन्होंने सीआईडी ऑफिस सीआईडी ऑफिसर कौन है उसका नाम है विजय मुझे तो डर है कि कहीं उसकी इस काम में विजय ना हो जाए कहता था कि कविता के पिता का पता लगाकर छोड़ूंगा अशोक
वो आदमी अपनी धुन का पक्का लगता है। दीवान साहब, आज तक कोई सीआईडी ऑफिसर ऐसा पैदा नहीं हुआ जो ये पता लगा सके कि आपके सौतेले भाई का क्या हुआ। मुझे डर है तो सिर्फ श्याम कुमार का, जिसकी आंखों ने बहुत कुछ देखा है। उसकी भी जुबान खुल रही है। कहता था कि अब 3000 से काम नहीं चलेगा, 5000 रुपया चाहिए। फिर इतने में मेरी भतीजी पास से गुजरी, उसे देखकर उसकी आंखों में रोशनी और थी। मालूम होता है आपकी भतीजी जरूरत से ज्यादा खूबसूरत है। अशोक, मैं यहां कविता की खूबसूरती का जिक्र करने नहीं आया हूं। बंद करो। ये अचानक तुम रोशनी से क्यों चौंक पड़े? उस मनहूस रात के बाद कोई भी तेज रोशनी मैं आंखों में बर्दाश्त नहीं कर सकता। याद है वो रात? कौन? दास हूं आपका दीवान साहब। परसों से आपका नमक खा रहा हूं। एक फोटो ले ली है। ऐसी फोटो फिर कहां मिलेगी? दीवान साहब और अशोक बाबू दीवान बिहारी लाल जी की लाश को दफना रहे हैं। तुम यहां तक कैसे पहुंचे? मैं तो साये की तरह आपका पीछा उस जगह से कर रहा हूं जहां से आपने अपने भाई को चलता किया। तुझे भी उसके पास चलता? बड़े कच्चे खिलाड़ी हो। अगर आगे बढ़े तो इस लाश के साथ तुम्हें भी कब्र में सुला दूंगा। शाम इस बात का किसी को पता न चलने पाए। दीवान साहब, आप मेरा मुंह बंद रखेंगे? मजाले किसी को कुछ पता चल जाए? अच्छा जी, मैं चलूंगा। गुड नाइट। बस उसी रास्ते में तेज रोशनी से चौंक पड़ता हूं। कभी कभी तो जी में आता है कि श्याम कुमार को भी पार्सल करके आपके भैया के पास पहुंचा दूं। ये मत भूलो, उसने हमारे राज की बात लिखकर किसी के पास रख छोड़ी और उसे हदायत कर रखी है कि अगर उसे कुछ हो गया तो फौरन वो कागजात पुलिस के हवाले कर दिए जाए। फिर कोई ताकत हम दोनों को सूली से नहीं बचा सकती। मर गए हमें सूली पर चढ़ाने वाले। आप फिक्र ना करिए दीवान साहब, जिस दिन ये श्याम कुमार वाकई हमारे लिए खतरा बन जाएगा, मैं उसी दिन उसे ठिकाने लगा दूंगा। लो भाई, तुम्हारे सभी मेहमान आ चुके हैं, अब तो मुझे जाने दो। आप कहाँ चले अंकल? वैसे भी तो नौजवान लड़के लड़कियों के बीच मैं अकेला बुरा जस्ता नहीं। और बेटे, मुझे एक जरूरी काम भी है, तुम लोग एंजॉय करो, मैं जाता हूँ। हैप्पी बर्थडे टू यू कविता। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू, थैंक यू। संभाल लो, संभाल। एक्सक्यूज मी जी, कविता दीवान कौन है? मैं हूँ। ओह हेलो मैडम, हैप्पी बर्थडे टू यू। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। आई एम सॉरी, आपने मंकीज बैंड बुलाया था, हम आ गए। एक्सक्यूज मी, मेरा हाथ। आपका हाथ बहुत खूबसूरत है। मेरा हाथ तो छोड़िए। आई एम सॉरी। मंकीज बैंड कहा आपने? जी हाँ, ये है मंकीज बैंड के लीडर मिस्टर कैप्टन बर्कले। कैप्टन बर्कले? नो कैप्टन, कैप्टन बर्कले, पीला हाथी गोल्ड फ्लेक के छोटे भाई। ये अमेरिका जा रहे थे एल्विस प्रेसली और बीटल से टक्कर लेने के लिए, लेकिन रास्ते में इनकी टक्कर हो गई और बेचारे अंधे हो गए। आई एम सॉरी, नौजवानी में आंखें चली जाए तो इससे बड़ी ट्रेजेडी क्या होगी। यू आर राइट। हमदर्दी का शुक्रिया। आपकी आवाज से लग रहा है आप बहुत खूबसूरत हैं, क्योंकि मैं आपको अपने मन की आंखों से देख रहा हूँ। हैप्पी बर्थडे टू यू। आ, क्या कोमल हाथ है। ये मेरा हाथ है कविता जी, ये आपको हैप्पी बर्थडे कह रहे हैं, जरा अपना हाथ दीजिए। हाँ, ये इनका हाथ। थैंक यू। क्या नाजुक उंगलियां हैं, आपको जरूर किसी कला से संबंध है। क्या आप भी मेरी तरह म्यूजिशियन? जी मैं पेंटर हूँ। देखिए मेरा ख्याल गलत नहीं निकला, मुझे जरा बैंड तक पहुँचा दीजिए। हाँ, 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 चलिए चलिए। क्या जी, बेचारा अंधा है। देख बेटा, यहां तक तो मैंने तुम्हारा साथ दे दिया है, अब जहां तक जूते खाने का ताल्लुक है सो वो मैं नहीं खा सकता, क्योंकि मेरा पेट भरा हुआ है। इस बर्कली की आवाज मेरी सुनी लगती है, कहीं ये वही नकली श्याम कुमार तो नहीं है? तुम्हें तो आवाज से आदमियों को पहचानने का खत हो गया है, जब देखो यही सोचते रहती हो कि किसकी आवाज कहां सुनी। अरे वो देखो कौन आ गया। मैंने हैप्पी रिटर्न ऑफ द डे। थैंक यू। इसकी क्या जरूरत? वाह, पहली बार आपकी बर्थडे पार्टी में आया हूँ।
तो खाली हाथ आता क्या? क्या बात है, किसी खास मेहमान का इंतजार है? उसी बहरूपिया के इंतजार में हूँ। आने दीजिए, कीमा बना के रख दूंगा। एक्सक्यूज मी कसाई। क्या बोला? भाई। ओके मैडम, बाय बाय। बाय बाय। एक्सक्यूज मी, मेरा हाथ। आपका हाथ? हाँ तुझ पे ही अपनी कसम। तू मेरी जल परी, दुनिया जले तो जले। आहा, तू मेरा हो मैं तेरी, दुनिया जले तो जले। ना 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 ना, दिल तेरा जा तेरी, दुनिया जले तो जले। तू मेरा हो मैं तेरी, दुनिया जले तो जले। Thank you.
जा तेरी दुनिया जलत जले। आहा, आहा, तू मेरा हूँ मैं तेरी हो दुनिया जलत जले। ना 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 दिल तेरा जा तेरी दुनिया जलत जले। बेशरम तुम्हें यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? कविता जी आपसे वादा किया था आपके जन्मदिन पर जरूर आऊंगा, नहीं आता तो अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकता था। अब आ गया हूँ तो जो सजा देनी है दे लीजिए ना, सरे तस्लीम खम है जो मिजाज यार में आए। तुम्हें छू के अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहते। कौन है ये? यही है वो बहरुपिया जिसने उस रोज आपका नाम लेकर हमें चकमा दिया था, अब इसे मजा चखाइए। अब भी लीजिए। और मिस्टर श्याम देखिए लड़ाई झगड़े से बहुत घबराता हूँ मैं, शांति में विश्वास रखता हूँ, सिर्फ मोहब्बत करने जानता हूँ, बाकी झगड़ों से मुझे बहुत नफरत है। नफरत के बच्चे? अरे 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 श्याम साहब चोट कुछ ज्यादा लगी लगती है। कविता जी आप इनको उठाने के लिए तो आपको अपने हाथ गंदे करने ही पड़ेंगे। गेट आउट। जाता हूँ जाता हूँ, पहले अपने दोस्त से कह दीजिए मोहब्बत करने वालों के रास्ते में नहीं आते। गेट आउट। क्या नजाकत है, क्या शराफत है, क्या मोहब्बत है, मारा भी तो फूलों से। जय जय हिंद। सेन आया साहब, बहुए से कहो गाड़ी निकाली। अच्छा सर। क्या हुआ हाथ? सर बाजू वाले मकान में जो सेठ रहता है उसकी फैक्ट्री वालों ने उसका घेराव किया हुआ था, मजदूरों की मांगे जायज थी, मैंने भी ताव में आकर सेठ जी के खिलाफ नारा मार दिया, बस उसके बाद पुलिस का पहला डंडा मेरे हाथ पर पड़ा और फिर मैं फौरन अपने फैमिली डॉक्टर डॉक्टर बंदूक जी पिस्तौल वाला के पास गया और हाथ का मसाज करवा कर चला आ रहा हूं। इसके माने अब तुम ड्राइविंग नहीं कर सकते? इम्पॉसिबल सर। याद कितना उठता है? बस यही डेढ़ पौने दो इंच। पहले कितना उठता था? पहले तो पूरा उठता था। नॉनसेंस, मुझे टैक्सी में जाना पड़ेगा। ए गगो। ये सर। कौन सा हाथ उठाया था? दावा हाथ उठाया था सर। और ये हाथ? ये तो पौने दो इंच उठता। बच गए बच गए, नहीं तो बूढ़े ने आज पकड़ लिया था। ए फर्नांडिस, ए आशीष सेन, ए सीताराम, चलो सब लोग इधर आओ, चलो इधर इधर इधर। तुम तीनों अपना अपना खोल लो कान और सुनो मेरा बयान। इस वक्त से लेकर आने वाले पूरे दो घंटे तक तुम सब मुझे अपने सेठ जी कैलाशनाथ गुप्ता का एक लौता एक पहला और आखिरी बेटा विजय गुप्ता समझोगे। मतलब की? मतलब ये औषित दादा कि मेरा ससुरा अपना बेटी को लेके यहाँ मुझे देखने के लिए आ रहा है, ऐसे मौके पे थोड़ा आप लोग का मदद चाहिए। ये रकम कैसे हो सकता? हमारा सेठ जी को मालूम पड़ा हमारा नौकरी जाएगा। नौकरी? औषिदा नौकरी तो तुम्हारा पहले से ही खतरे में है, क्योंकि हमको ये मालूम हो गया है कि जिस बनिया के पास आप जाकर बाजार लेकर आता है ना, उससे आप 20% कमीशन भी खाता है। अगर ये बात हम सेठ जी को बोल दिया तो आपका और आपका कोलकाता वाला फैमिली का क्या होगा? नहीं नहीं, तुम बोलेगा सब करेगा, सब करेगा, सब करेगा, सब करेगा। सीताराम देखो, हमको ये सब पता है कि तुहार सीता कहां रहती है, जोगेश्वरी भैंसों के तबेले में। हम उसको जाकर ये कह देंगे कि ये सीताराम कोई ब्राह्मण नहीं, ये तो तेली है तेली, ये तो मटन भी खाता है, मछली भी खाता है और छैंकड़ा भी खाता है। उसके बाद सोच लो कि तुहार शादी कैसे हो। ऐसा जुलम ना करो, ऐसा जुलम ना करो, जय इसका यो वैसन करब करो। मार गोगो भैया, बैठ गोगो तेरा बाप। विजय बाबू बोल, विजय बाबू बोल। अच्छा विजय बाबू ठीक है। फर्नांडिस। यस सर। फर्नांडिस तुम्हारे लिए भी एक बात है, देखो तुमने एक बार सेठ जी का खाला वाला सूट चोरी किया, उसको फैना, उसको फैनने के बाद में फोटो निकाला और अपना फादर इन लॉ को तुमने भेजा। वो फोटो का एक कॉपी और उसका नेगेटिव मेरे पास है, अगर मैं वो सेठ जी को दे देंगे तो तुम सोचो तुम्हारा क्या होंगे। नो विजय बाबू नो, अपन गोर अपन तो तुम्हारा जाता है। शायद वो लोग आ गए। अशुन सर, अशुन, हमारा छोटे सेठ विजय बाबू आपकी बात देख रहे हैं। बाप रे बाप, क्या शानदार हाल है। हाल भी देख रहा हूँ और हाल में लगा हुआ माल भी देख रहा हूँ। विजय लाखों में खेलता है बाबूजी, आप खामखा उस पे शक कर रहे थे। मैं शक नहीं कर रहा हूँ छमछम, मैं जरा ठोक परख कर देख रहा हूँ। जटाधारी। आशीर्वाद आशीर्वाद। विजय अब तुम्हारे मुँह से जटाधारी अच्छा नहीं लगता। तो फिर कौन सा धारी कहूं? छम छम की तरह तुम भी मुझे बाबूजी कहा करो। बाबूजी, बाबूजी यकीन नहीं आता कि आप जैसे कला सम्राट
पुरुषों में महापुरुष देवी दयाल इस गरीब की कुटिया में पधारे हैं। कुटिया? इसे कुटिया कहते हैं तो महल किसको कहते हैं? अच्छा वो जान दो, तुम्हारे डैडी कहाँ है? डैडी बाथरूम में है, अभी आते हैं, जब तक आप ये सिगार चू करिए। डैड, मैं बेटा, माय हैंडसम सन, तुम्हारे मेहमान आ गए। वेलकम वेलकम। हैंडसम डैडी, इनसे मिलिए। ये है श्री जटाधारी जी, आई मीन बाबू जी, और ये है इनकी सुपुत्री मिस छमछम। और इनके साथ मैं क्या करने वाला हूँ ये तो मैंने आपको बता दिया। ऐसी सुंदर कन्या के साथ कौन नहीं करना चाहेगा। छो पैर छो बेटी, पैर छो। जीती रहो, जीती रहो डैडी, जीती रहो के साथ बेटी भी तो कहिए। क्या मुखड़ा है। यस, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। ऐसी बहू तो मैं लाना चाहता। क्या 36, 22, 38 और 37? क्या? कुछ नहीं डैडी, तुम्हारा टेलीफोन नंबर पूछ रहे थे। 36, 22, 37। हमारे यहाँ टेलीफोन नहीं है लेकिन पड़ोस में है, उनका नंबर 1968 68। नोट कर, याद है डैडी। वो फोटो किसकी है? कौन सी? वो मेरे बाप के बाप की है। दादाजी, 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 ग्रैंडपा। डैडी, डैडी, छमछम, ये है मेरे दादाजी की फोटो जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। आपकी शक्ल इससे मिलती जुलती है। जी हाँ, मेरे पिताजी जो ठहरे, मगर विजय की शक्ल आपसे नहीं। वो भी ठीक है, इसकी शक्ल हमारे ड्राइवर से मिलती है। मेरा मतलब है, जब इसकी माँ के पेट में दर्द शुरू हुआ, हम उसे गाड़ी में हॉस्पिटल ले जा रहे थे, इसने इंतजार नहीं किया और गाड़ी में पैदा हो गया, इसलिए इसकी शक्ल हमारे ड्राइवर से मिलती है। हो सकती, हो सकती। लेकिन आपकी बेटी की शक्ल आपसे नहीं मिलती। इसकी शक्ल इसकी माँ से मिलती है। लगता है इनकी माँ ने चाइनीज खाना बहुत खाया। बहुत। विजय, तुमने डैडी से कह दिया है ना कि हम लोग बहुत गरीब हैं। क्या बात करते हैं जटाधारी जी, ये तो सिर्फ कपड़ों का हेर फेर है, वरना अमीर गरीब में कोई फर्क नहीं, सब एक ही भगवान के बंदे। आपकी बातें बहुत अच्छी लगती है लेकिन जरा देर से समझ आती है। विजय, तुम कितने खुशनसीब हो जो तुम्हें ऐसे ऊंचे बेचारों के डैडी मिले। अरे ये इतने आसानी से मुझे थोड़ी मिला, बहुत मस्का लगाया, हाथ पांव जोड़ा तब जाके मेरा बाप बना। क्या कहा? वो डैडी बने। डैडी बने? यानी डैडी बनने के लिए इनको मस्का लगाना पड़ा? बाबूजी मेरी गलती हो गई, मेरा मतलब ये था कि डैडी, मैं जब छोटा था ना, पैदा होने से पहले मैंने भगवान को मस्का लगाया था कि ये मेरे डैडी बने। ख्याल है अब शादी जल्दी हो जानी चाहिए। मैं अपने पोते पोतियों को देखना चाहता हूँ। डैडी, आपकी आज्ञा का पालन करना तो हम दोनों का धर्म है। लेकिन शुभ घड़ी में देर नहीं होनी चाहिए। देर कहाँ डैडी, आप घड़ी घड़ी यहाँ चले आते हैं। आओ छमछम। छमछम क्या डैडी, हाथ तो मैं डालूंगा। ठीक है बेटा, तुम डालो कि मैं डालू, एक ही बात है। छमछम। इस शुभ घड़ी पर संगीत होना चाहिए। डैडी, शायद आपको छमछम ने ये नहीं बताया कि ये बहुत अच्छा डांस करती है। मैं भी बाजा बजाता हूं। बजाओ बेटा, बजाओ। छमछम, कम कम। आपकी मेरे मुंह पे, मैं आप लोगों के लिए मिठाई लाया। डैडी मिठाई लाने गए थे जब तक हम लोग डांस करते हैं। समान गोगो, ये क्या हो रहा है? कैलाशनाथ जी कहाँ हैं? अंकल, आप फिर आ गए यहाँ पर? क्या लगता है, कौन लोग हैं ये? अरे सूट क्यों पहन रखा है? अंकल, आप जब भी आते हैं मुझसे यही गुफ्तगू करते हैं। बेटा ये कौन है? बाबूजी, ये मेरे दादाजी के दोस्त हैं। दादाजी तो इस दुनिया में नहीं रहे लेकिन उनके चमचे रह गए हैं। दादाजी के मरने के बाद ये पागल हो गए। हम लोग आगरा भेजने की सोच रहे हैं। एरोड़ भेजो, एरोड़। जो अंकल, रागिनी और पद्मिनी कैसी हैं? कौन रागिनी, कौन पद्मिनी? लीजिए, अपनी बेटियों को भी नहीं जानते। अच्छा ये बताइए, रमेश का क्या हाल? रमेश? मैं ही रमेश, मैं हूँ मिस्टर रमेश लामा। रमेश लामा तो आपके बेटे का नाम है, आपका नाम तो सुरेश लामा है। विजय, इस पागल को खुला क्यों रखा है? बाबूजी,
इनके काटने से पेट में 14 इंजेक्शन नहीं लेने पड़ते। गोगो, मैं भी कैलाशनाथ जी को लेकर आता हूँ और तुझे नौकरी से निकलवा कर ही दम लूंगा। अंकल लामा, अब आप लंबे हो जाइए। अच्छा चलिए। अच्छा चलता हूँ। चला तो देते हूँ। बोर करने चला आया। कौन था बेटा वो पगला सुरेश? लांबा था। हाँ डैडी, लांबा ही था। लांबी की तरह चिपक गया था। उतार दिया ना? उतार दिया। लो मिठाई। पहले विजय के दादा के आत्मा को प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लें। जी आइए। ग्रैंडपा, दादाजी, आप इस दुनिया में नहीं, लेकिन आपकी आत्मा इस हॉल में जरूर होगी। मुझे और छमछम को सदा सुखी रहने का आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद के बच्चे, जूते मार मार के तुम्हारे सर में गंजे कर दूं। कौन है भाई? लोगों के बच्चे, यहां नौटंकी लगा रखी है। मैं अभी तुम दोनों की चमड़ी उधेड़ता हूं। माय डियर विजय, ये मुझे क्या हो गया है? अभी चंद ही दिन हुए हमारी जान पहचान हुई है, गिनती की मुलाकातें हुई हैं, फिर ऐसा क्यों है जैसे सब कुछ बदल सा गया हो? अब यही दिल करता है कि आप पास रहें और मैं सामने बैठी आपकी बातें सुना करूं। कहीं इसी को तो मोहब्बत नहीं कहती? आज हम लोग झील के उस पार पिकनिक के लिए जा रहे हैं। मुझे तो ये प्रोग्राम तभी अच्छा लगेगा जब आप भी हमारे साथ हो। आपके बिना अब कुछ अच्छा ही नहीं लगता। हाय, मैंने रामू कश्ती वाले से कह दिया है, आज वो 4 बजे आपको झील के उस पार ले आएगा। देखिए, निराश न कीजिएगा, मैं आपका इंतजार करूंगी। आप ही की कविता। अरे पागल हो जाएगा बेचारा, ये लो लेटर पढ़कर। शर्त लगा लो, 3 बजे से ही तुम्हारा इंतजार करेगा। ये लो, ये चिट्ठी पहुंचाना तुम्हारा काम है। चिट्ठी तो मैं पहुंचा दूंगी, पर सोच लो कविता, अगर उसे कुछ हो गया तो तुम्हें 10 साल के लिए अंदर भेज दिया जाएगा। 10 साल तो क्या, मैं उसे सबक सिखाने के लिए जिंदगी भर चक्की पीसने को तैयार हूं। गोगो, जी जी। अरे गाड़ी तैयार है ना? गाड़ी तो तैयार है, लेकिन आप ये रोमियो बने हुए कहां जा रहे हैं? क्या कोई जूलियट बालकनी में खड़ी आपका इंतजार कर रही है? अरे ऐसी लड़की से मिलने जा रहा हूं जिसे जूलियट भी देखे तो बालकनी से रश खाकर नीचे गिर। जूलियट तो बाद में गिरेगी, लेकिन पहले आप झील के बीच में धड़म से गिर जाएंगे। क्या बक रहे हो? मिस कविता। कविता? कविता दीवान, जो कि झील के उस किनारे पर खड़ी आपका इंतजार कर रही है, ये कहते हुए कि आएगा आएगा आने वाला और रामू नाम वाला हैया हो हैया कहते हुए आपको झील के उस पार ले जाए। लेकिन ये सब कुछ तुम्हें कैसे पता चला? गोगो से कोई राज नहीं छुपा हुआ। विजय भैया, मेरी बात मानिए, आज का प्रोग्राम बोल रही। अरे आज तो भगवान भी बुलाए, नहीं रुकूंगा, रोक सकती नहीं। अब मौत भी रास्ता मेरा, बड़ी मुश्किल से मेरी जान का पयाम आया है। पयाम नहीं, आखिरी सलाम आया। आप जिस सड़क पर जा रहे हैं वो सीधे मौत की तरफ जाती है। कविता, मौत नहीं, जिंदगी है जिंदगी। ये तो आप सोचते हैं ना, लेकिन वो आपकी जिंदगी आपकी मौत की खिचड़ी पका रही है। वो रामू नाव वाले से मिलकर आपको झील के बीच में डुबाना चाहती है। क्या बात है? ये उसने मुझे बताया, वो मेरा बहुत बड़ा दोस्त है। और आपने उस लड़की को ये भी तो बता दिया कि आपको तैरना नहीं आता। यस, लेकिन कसम खाकर कहो, जो कुछ तुम कह रहे हो सच है? मैं आपकी कसम खाकर कहता हूं कि मैं जो कुछ भी कह रहा हूं बिल्कुल सच कह रहा हूं। 100% 24 कैरेट गोल्ड। इसीलिए इतना स्वीट लेटर लिखा समझे? अरे वो तो शकर से लपटी हुई कोनिन की गोली है, ऊपर से मीठी अंदर से कड़वी, चख के देख लो। गोगो जी, तुम्हें मेरे 2 काम करने होंगे। 2 नहीं 4। एक तो ये कि ऐसा सोल्यूशन लाओ जिससे लिखा हुआ मिट सके, ताकि उस खत से मैं अपना नाम मिटाकर श्याम कुमार का नाम लिखती। दूसरा ये कि वो खत तुम्हें श्याम कुमार तक पहुंचाना। खत तो श्याम कुमार तक पहुंच। विजय बाबू, आप बहुत होशियार हैं, आप श्याम कुमार को फंसाना चाहते हैं। तंग तंग। ये बाजी तो मेरी लगती है। अरे जल्दी पता फेंकना, टाइम तो हो गया लेकिन विजय अभी तक दिखाई नहीं देता। कहीं वो समझ तो नहीं गया कि ये सब चाल है? तुमने तो 4 बजे का टाइम दिया था,
और अब 4 में 2 मिनट बाकी है। मुझे लगता है कि मेरी चिट्ठी कुछ ज्यादा रोमांटिक थी, इसलिए वो तार गया कि दाल में काला है। अरे भाई तुम्हें रामू नाम वाला कौन है भाई? मेरा नाम है साहब। आइए, आप तो कविता मैम साहब के पास जाएंगे ना? हाँ यार जाना, जल्दी चलो यार। आ जाओ, बैठो बैठो फटाफट फटाफट। पंची फंस गया, वो देखो विजय आ रहा है लाल कमीज वाला। जल्दी चलो और तेज, 5 का पता दूंगा। बस 2 मिनट में पहुंचा देता हूँ साहब। मिस कविता नजर नहीं आ रही। आ जाएगी, आप खड़े होकर देखिए। वो देखिए बचाओ 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 बचाओ। हाय मर गए, ये तो शाम कुमार है। इन हाथों से दुश्मन को मत होश में लाओ, दुश्मन को मत होश में लाओ। अभी सलामत अभी है जिंदा आपका खिदमतगार, आपकी खिदमत में हाजिर है लेके प्यारी प्यार, लेके प्यारी प्यार। दे दो प्यार ले लो प्यार, दे दो प्यार ले लो प्यार। आपकी कमर का दर्द अभी तक ठीक नहीं हुआ? वो दीन दयाल मालिश वाले को लेने के लिए गया है, अभी तक आया नहीं। आपको थिएटर जाने की जल्दी होगी ना? मैं आपको सहारा देकर
टैक्सी में बिठा देती हूँ। अरे मैं दर्द के मारे मर रहा हूँ और तुम मुझे चलता करने पे चली हो। लेकिन बाबूजी आपको थिएटर जाना ही होगा ना, आपके बगैर तो वहाँ का सारा काम रुक जाएगा। तुम फोन करके बोल दो कि मैं नहीं आऊंगा, नया फोन लगने का यही तो फायदा है। मॉडर्न थिएटर्स श्रीमती जी, आपने गांजा पिया हुआ है क्या? मैं गोगो बोल रहा हूँ, गोगो। मैं छमछम बोल रही हूँ। आज बाबूजी थिएटर में नहीं आएंगे, क्या समझे? उनकी कमर में दर्द है, इसलिए दीन दयाल मालिश वाले को बुलाने गया है। अगर उनका दर्द ठीक हो गया तो मैं घर से निकलूंगी। मेरा मतलब बाबूजी घर से निकलेंगे। मैं ठीक भी हो गया तो घर से बाहर नहीं निकलूंगा, मैं आराम ही करूंगा। क्या कह रही हो छमछम? अरे बुढ़ापे में तो कमर दुखती है। देखो डाले, तुम फौरन चली आओ वरना जवानी में मेरी कमर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। मजबूरी है, समझते क्यों नहीं? देखो जान, मैंने विजय बाबू से 200 रुपए उधार लेकर पूरे के पूरे शादी के लिए खर्चा कर दिए। पंडित की भी बुकिंग हो चुकी है और सितारों के अनुसार हम दोनों को आज ही सिंगल से डबल होना होगा। कौन फोन पे इतनी लंबी बात कर रहा है? उसका नाम पूछो, उसे नौकरी पर से निकाल दूंगा। बाबूजी चिल्ला रहे हैं, समझ गया ना? देखो देखो जान, अरे फोन मत बंद करो, चिल्लाने दो बुड्ढे को, मेरी बात सुनो। डार्लिंग जान, मेरी जान छमछम डाल। अरे मालिश वाला वो दीन दयाल अभी तक आया नहीं। हम चले आए जहां दिल पे ले आए रे। कौन है रे? बाबू साहब हम कोई भिखारी नहीं हैं, हम तो बुद्धू राम का बेटा चालाक राम मालिश वाला है। रात को हमारे पिताजी को माताजी ने एक आध डंडा टिका दिया जिसके कारण वो आज नहीं आ सके, उनकी जगह पर हम चले आए हैं। अरे मगर दीन दयाल को मैंने भेजा था तुम्हारे बाप को बुलाने के लिए, तुम क्यों आए? बाबू साहब उखड़ने की कोई जरूरत नहीं है, नाक आप चाहे यहाँ से पकड़िए या यहाँ से पकड़िए, एक ही बात है, बाप की जगह पर बेटा चला आया है। बताइए आपको क्या तकलीफ है? यहाँ कमर में दर्द है। अरे इस कमर को तो हम 5 मिनट में तोड़ देंगे, हमारा मतलब है जोड़ देंगे। आप तनिक लेट जाइए। अंधे हो क्या? दर्द तो इधर है, उधर क्या है? आपकी कमर में है? हाँ। तो कोई बात नहीं, आपको तो खोटे नवाब वाली मालिश देनी चाहिए। अरे राम, हाय 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 मर गया। अरे ये तुम्हारा खोटे नवाब ये घिसे कैसे सहता है? अरे ये तो कुछ भी नहीं है घिसा, खोटे नवाब को तो हम ऐसा रगड़ा देते हैं कि वो रगड़ा खाने के बाद में वो ऐसा भागता है कि बाकी सब पीछे रह जाते हैं। आप भी एक रगड़ा खा लीजिए, उसके बाद में आप भी दुम उठाकर भागेंगे। खोटे नवाब की दुम थी क्या? मैम साहब, अरे सब घोड़ों की दुम होती है। यानी कि तुम बाबूजी को घोड़े के मसाज कर रहे हो? हाँ मैम साहब, देखो जब मालिश करते हैं तो कमर को देखता है, ये कमर थोड़ी है, ये तो कमरा है, ये का घोड़े की नहीं तो मसाज मिली। अरे बाबूजी मर गया, मसाज भी आपको देंगे। अरे बाबा मुझे मसाज नहीं चाहिए। अरे हमारे पिताजी ने बता दिया है कि आपको कौन सी मसाज देनी चाहिए। ये क्या कर रहे हैं? इसका उंगली मसाज कहते हैं, उंगली मसाज। उंगली की जापान में बहुत मशहूर है, हम सीखे थे। ये देखो उंगली मसाज, हो गई तबियत ठीक। अब हम आपको अफ्रीकन मसाज देंगे, भागो भागो मसाज। मामा तो सुना था, लेकिन ये भागो भागो कहाँ से आया? मैम साहब वो हम आपको 5 मिनट बाद में समझाएंगे, तनिक पानी गर्म करके लाना। भागो भागो मसाज। बाबूजी देखो ये पानी गर्म करने में आप गर्म हो जाएंगे तो हम खुद ही जाके क्या? हाँ जल्दी जल्दी, हाँ जल्दी, मेरी छुट्टी करो। हम मैम साहब क्या गर्म हुई गया? ये लो तुम्हारा गर्म। अरे वाह बड़ी जल्दी गर्म कर दिया, सबके जाओ मेरी जान। मेरी जान के बच्चे। अरे क्या करती क्या करती? अरे मैं तेरा गोगो हूँ, गोगो। गोगो? हाँ। कैसे? अब मैं बाद में बताऊंगा, अब यहाँ से भागने की कोशिश करो। कैसे? मैं बताता हूँ कैसे। जल्दी करो, ये बुड्ढे को पर सवाल डालता हूँ। हाँ बाबू जी, देखो ये रहा गरम गरम टावल। अब आवा नहीं करो, 15 मिनट के लिए मुंह भी बंद नाक भी बंद सब चीज बंद कर दो, उसके बाद में देखो ये भागो भागो मालिश का क्या चमत्कार होता है। ए, कौन है तुम? मालिश वाले बाबूजी के लिए। अरे बुद्धू राम, ये भागो भागो मालिश तुम्हारे लड़के ने अच्छा किया, तुमने तो कभी किया ही नहीं। मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूँ जटादारी की, मेरा बेटा कहाँ से आया? तो फिर ये कौन है?
ये मैं बताता हूं। क्या देता है? ए, मेरी मुझे वापस कर दो। तुमने सुना नहीं, मुझे मर्दों की इज्जत होती है और मैं मर्द हूं। मैं मर्द हूं, मर्द के बच्चे। पकड़ो उसको। अरे तीन खर्चा तुम्हें मेरा कमरा तोड़ रहे थे। जिम्मेदारी किया हमारे क्षेत्र का क्या होता। हेलो कविता। कौन? मैं विजय बोल रहा हूँ। देखो फोन बंद नहीं करना, नहीं तो मैं लाइन डिस्कनेक्ट नहीं करूंगा और फिर ना तुम्हें किसी का फोन आएगा ना तुम किसी को फोन कर सकोगी। तुम बेरुपये ही नहीं बल्कि ब्लैकमेल भी करती हो। जी। ब्लैक का मतलब होता है काला। मैं काला नहीं, गोरा हूँ। हाँ, मेल का मतलब होता है मर्द। मर्द जरूर हूँ। कहिए तो मेजरमेंट बताओ। कद 5'11", छाती 40 इंच, वजन 162 पाउंड। चूंकि आप एक अच्छी पेंटर हैं इसलिए आपको मेरी एक तस्वीर जरूर बनानी चाहिए। तुम्हारी कसम कृष्ण भगवान का रूप लगूंगा। मैं हूं भी कृष्ण भक्त। बस 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 करो, बोलो फोन क्यों किया, क्या चाहते हो तुम? लव, प्यार, प्यार ही प्यार। मुझे तुमसे नफरत है। डार्लिंग, आज तो दिल दुखाने वाली बात ना करो। मेरा जन्मदिन है आज, मुबारकबाद देने आ जाओ, यही तमन्ना है। फिर ये तमन्ना अधूरी रहेगी क्योंकि आज मैं श्याम कुमार की बर्थडे पार्टी में जा रही हूँ। कविता तुम मेरी हो, तुम वहाँ नहीं जा सकती। तुम फोन बंद करते हो या नहीं? मैं तुम्हारी पार्टी में नहीं आऊंगी, नहीं आऊंगी, नहीं आऊंगी। ये बात है तो फिर मैं तुम्हें उसकी पार्टी में नहीं जाने दूंगा, नहीं जाने दूंगा, नहीं जाने दूंगा। समझ गया ना? सब समझ गया सर। मैम साहब लगता है बिजली फेल हो गई। कितनी गर्मी है, पंखा भी बंद। तुम बेरुखी, तुम यहाँ भी पहुँच गए। तुमसे कहा था ना कि श्याम कुमार की पार्टी में नहीं जाने दूंगा। देखिए वैसे तो आप लिफ्ट देती नहीं, सोचा लिफ्ट में लिफ्ट ले। तुम मेरा पीछा छोड़ोगे या नहीं? असा तेरा पीछा नहीं हो छोड़ना, पावे लग जाओ हथकड़ियां। ये टैट है बंद करो और लिफ्ट चालू करो, मुझे पार्टी में जाना है। अभी तो आई हो, ठहरो जरा, चली जाना, लगेगी देर जरा हाल दिल सुनाने में। लिफ्ट चलाओ नहीं तो मैं चिल्ला के पुलिस को बुलाती हूँ। कोई है? ठहरियो मैं ठीक करता हूँ। ओह माय गॉड, करंट आ गया, शॉक लगा। ठीक हो रहा है, ठीक हो रहा है। एक वो बिजली है जो जिंदगी लेती है, एक ये बिजली है जो जिंदगी देती है। हाथ छोड़ा मेरा, छोड़ मेरा हाथ। तेरा हाथ हाथ में आ गया कि चिराग राह में जल गया। कभी जलने की कोशिश मत करो। मैं कहीं कभी न बन जाऊं तेरे प्यार में कविता, मैं कहीं कभी न बन जाऊं तेरे प्यार में कविता, कहीं कवि न बन जाऊं। तुझे दिल के आईने छलकता प्यार देखा, तेरा तीर मैंने देखा तो जिगर के पार देखा। मैं कहीं क
कवि न बन जाऊं, तेरे प्यार में कविता मैं कहीं कवि न बन जाऊं। चक है तेरा रंग है सलोना, तेरे अंग में लचक है, तेरी बात में है जादू, तेरे बोल में खनक है, तेरी हर अदा मोहब्बत तू जमीन की धनक है। मैं कहीं कवि न बन जाऊं, तेरे प्यार में कविता मैं कहीं कवि न बन जाऊं। कहीं कवि न बन जाऊं, तेरे प्यार में कविता मैं कहीं कवि न बन जाऊं, तेरे प्यार में कविता मैं कहीं कवि न बन जाऊं। आ गई बिजली, ऊपर छोड़ दो। ये जगह याद है तुम्हें विजय? ये जगह तो मैं कभी नहीं भूल सकता कविता, यही तो पहली बार तुम्हारी आंखों में प्यार ही प्यार देखा था। और मैं उस दिन तुम्हें गलती से श्याम कुमार समझ बैठी थी। कविता तुम्हारा नाम कितना खूबसूरत है, किसने रखा था तुम्हारा नाम, तुम्हारी मम्मी ने या डैडी ने? कविता क्या बात है, तुम चुप क्यों हो गई? कोई खुशी की बात होती तो बता देती तुम्हें, अपने गम से तुम्हें क्यों दुखी करूं मुझे? खुशी अगर बांटने से बढ़ती है तो गम बांटने से कम होता है। बताओ ना तुम्हारी क्या उलझन है, बताओ ना कविता। मेरे पापा 2 साल से अचानक गुम हो गए हैं, उनके बारे में सिर्फ श्याम कुमार को मालूम है, मैं ये राज श्याम कुमार से जानना चाहती हूँ। लेकिन तुमने पुलिस की मदद क्यों नहीं? पुलिस कोशिश कर चुकी है लेकिन पापा का कुछ पता नहीं चला। देखो मेरा एक दोस्त आईडी में इंस्पेक्टर है, शायद वो तुम्हारे पापा का पता लगा सके। सच? मुझे उनसे मिला दो। आज शाम को उससे मिल लेता हूँ। तुम ऐसे करो, कल सीआईडी ऑफिस पहुंचकर इंस्पेक्टर गुप्ता से मिल लेना। इंस्पेक्टर गुप्ता? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आंख के अंधे नाम नैन सुख,
देख तो रही हो, कुर्सी पर बैठा। ये सब क्या हो रहा है? सीआईडी ऑफिसर साहब कहाँ हैं? मिस कविता देवी, सीआईडी ऑफिसर से मिलिए। श्री विजय कुमार गुप्ता, आपका दास, आपका सेवक, आपका गुलाम। कभी नहीं, तुम वो विजय थोड़ी हो जो सीआईडी ऑफिसर है। आपको मुझ पे शक है? साहब, बड़े साहब ने फाइल भेजी है। ठीक है, जाओ। विजय कुमार गुप्ता, सीआईडी ऑफिसर। लेकिन तुम इतने बड़े आदमी की बेटी, सीआईडी ऑफिसर? क्यों, बड़े आदमी के बेटे क्या बेकार और आवारा होते हैं? वो भी देश के बेटे होते हैं, देश की सेवा करके वो भी बड़े आदमी बनते हैं। वो तो है, फिर भी मैं एक बहरूपिया हूँ, यही सोच रही थी। जैसे उस दिन मुझे तुमने श्याम कुमार समझ लिया जब मैं तुम्हारे अंकल से इस केस के बारे में पूछने गया था, मैं तो खुद चकरा गया। लेकिन क्या करूँ कविता, तुम हो बहुत खूबसूरत, तुम्हारे लिए एक बार क्या 100 बार बहरूपिया बनने के लिए तैयार। पर मुझे क्या पता था ये घाटे का सौदा है। घाटे का सौदा? हाँ, खोया तो मैंने है। क्या खोया तुमने? दिल। लेकिन दिमाग नहीं खोया, क्योंकि इसी के सहारे अब तुम्हारे पिताजी को ढूंढना है, क्योंकि अब वो भी मेरे पिता समान है। मैं आज तक यही समझ रही थी कि मैं दुनिया में अकेली हूँ, अब तुम्हारे साथ से मेरी हिम्मत बढ़ गई। प्लीज मेरे पापा को ढूंढ दो। घबराओ नहीं, मुझ पे भरोसा रखो, लेकिन जो कुछ मैं कहता हूँ वही करना होगा। पापा के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। सच? हाँ। तो आओ बैठ लिया और लिखो श्याम कुमार के नाम एक लव लेटर। श्याम कुमार लव लेटर? नेवर, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। इस वक्त जो कुछ मैं कहता हूँ वो करो। ये ले, लिखो, माय डियर श्याम कुमार, प्लीज आई डाउन। कविता जी, आपका खत मेरे हाथ में है, 10 दफा पढ़ चुका हूँ, फिर भी विश्वास नहीं होता कि आप मुझे इतना चाहती हैं। कविता, कितना खुश नसीब हूँ मैं। जी, खुश नसीब तो मैं हूँ जो आपने मेरी इतनी कदर की। आपसे तो बहुत सी बातें करनी है, लेकिन फोन पर नहीं। आप कल शाम को नेशनल पार्क में मुझे 8 बजे मिल जाइए। जरूर आऊंगी, मुझे अपने पिताजी के बारे में आपसे बहुत कुछ पूछना है। आपके पिताजी के बारे में जो कुछ मैं जानता हूँ वो पुलिस भी नहीं जानती। मैं वो सब कुछ बताने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त पर, आप अकेली ही आइएगा। मैं ठीक 8 बजे वहां पहुंच जाऊंगी और मेरे साथ कोई नहीं होगा। हेलो। हेलो, दीवान साहब हैं? आप कौन हैं? मैं अशोक बोल रहा हूं। हेलो, हेलो, कौन बोल रही हैं? जी, मैं कविता बोल रही हूँ, दीवान साहब की भतीजी। ओ मिस कविता, जरा दीवान साहब से जल्दी बात करवा दीजिए। लो भाई कविता, तुमने एक टाइमपीस के लिए कहा था, मैं ले आया। थैंक यू अंकल, आपका फोन। हेलो। हेलो दीवान साहब। दीवान साहब, श्याम कुमार की तरफ से खतरा हद से ज्यादा बढ़ गया है, उसके लिए क्या करना चाहिए? अशोक, ठीक है, जैसा तुम मुनासिब समझो। श्याम कुमार, देखिए ठीक मैं 8 बजे पहुंच गई। अच्छा, पापा के बारे में वो कौन सी बात है जो पुलिस भी नहीं जानती, सिर्फ आप जानते हैं, बताइए ना। चुप क्यों है, बोलिए ना मिस्टर श्याम कुमार, बताइए ना। तो इन हालात में श्याम कुमार को कत्ल किया हुआ पाया गया। श्याम कुमार से मैं बहुत कुछ पता चल सकता था, लेकिन उसे भी कत्ल कर दिया गया। और हम इस केस के सिलसिले में फिर वहीं पहुंच गए जहां से हम चले थे। आप फिक्र मत कीजिए, आप ही ने तो एक दिन मुझे बताया था, मुजरम कितने ही होशियार क्यों ना हो, अपना कोई ना कोई निशान जरूर छोड़ जाते। राइट राइट, आप फिक्र मत कीजिए, मैं उन लोगों को गिरफ्तार करके रहूंगा। साहब, आपसे एक मैडम मिलने आई, आप उनको अटेंड नहीं कर सकते थे, मेरा मिलना जरूरी है। और ठीक से कहना मुश्किल है सर, हो सकता है किसी मिनिस्टर ने उन्हें भेजा हो।
अच्छा यहाँ भेज दीजिए। नमस्ते। नमस्ते। मुझे मालूम है आपका समय कितना कीमती है। शहर की कई संस्थाओं ने मिलकर एक आश्रम खोलने का फैसला किया है। मैं एक जमाने में उर्वशी महिला आश्रम चलाती थी और अब हम एक नया आश्रम खोलना चाहते हैं। उर्वशी महिला आश्रम? जी। तो क्या आप सावित्री देवी हैं? जी हाँ। ओ। और आप सेठ कैलाशनाथ जी? जी हाँ। माफ कीजिए, मैं आपको पहचान नहीं सका, कितनी मुद्दत गुजर चुकी है। आइए अंदर तशरीफ लाइए। शुक्रिया। यशोधरा के ढूंढने में मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी। पुलिस से ढूंढवाया, अखबारों में छुपाया, यहाँ तक के इनाम का भी वादा किया, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। मेरा बेटा आज तक यही समझता है कि उसकी माँ मर चुकी है। आपका बेटा? जी हाँ, मेरा बेटा विजय, वही जिसे मैं आपके आश्रम से लाया था, वो नन्हा अब जवान हो गया है। विजय इधर आओ बेटा, आइए मेरे बेटे विजय से मिलिए। विजय बेटा, ये है सावित्री देवी, ये हमारी बड़ी पुरानी मेहरबान है और तुम्हारी माँ भी इनकी बहुत इज्जत करती थी। आपसे मिलकर बहुत खुशी। अच्छा डैडी, मैं चलूँ? क्या जे स्कूल ऑफ आर्ट्स जा रहे हो? मैंने सुना है आज वहाँ कोई जलसा वलसा है। नहीं, जे जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में मेरा क्या काम, मैं अपनी ड्यूटी पर जा रहा हूँ। अच्छा, अब मुझे इजाजत दीजिए। We'll be right back.
मेरी जान आज तुमने ऐसा डांस किया कि विश्वामित्र भी देख लेते तो मैं डांस को भूल जाते। ये बताओ विश्वामित्र की तपस्या में भंग पड़ी या नहीं? अजी ऐसी भंग पड़ी कि ये विश्वामित्र फौरन अपनी मेनका से शादी करने को तैयार ताकि तुम्हारी गोद में शकुंतला गुप्ता खेलने लगे। बेशरम जरा भी लाज नहीं आती तुम्हें। कौन? कबाब में हड्डी। कौन है आप? इनके लिए कबाब में हड्डी और बाकी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा बिजनेस है। आपको मुझसे क्या काम है? मैं और मेरा बेटा दोनों तुम्हारा डांस देख रहे थे। उसने तुम्हारे डांस को ही नहीं तुम्हें भी पसंद किया है और मेरे बेटे ने जो चीज आज तक पसंद की है मैंने उसे हमेशा वो चीज देख के दी है। तुमने अगर उसे शादी नहीं की तो पागल हो जाएगा। पागल? हाँ पागल। देखिए आप यहाँ से चलते बनिए और अपने बेटे को पागल खाने में भर्ती कराइए, जाइए। अगर तुम्हारा यही फैसला है तो ठीक है, अब बेटा तुम्हें पागल खाने ले चलूं। बेटा? मेरे डैडी डांस देख रहे थे। डैडी? जीती रहो बेटी जीती रहो। देखा तुम दोनों कैसा बनाया, अगर मैं कहीं एक्टर होता तो उससे भी ज्यादा अच्छा काम करता। क्या नाम है उसका? आनंद देव। देवानंद। एक ही बात है, आनंद आगे लगाओ या पीछे लगाओ। हाँ तो बेटी हमें अपने बेटे की पसंद बहुत अच्छी लगी। मुझे भी बहुत अच्छी लगी। शट अप, मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। विजय तुम बाहर जाओ। गेट आउट। थैंक यू। हाँ तो बेटी मैं तुम दोनों के रिश्ते के बारे में तुम्हारे माता मैं भूल गया था। अगर तुम सीआईडी हो तो मैं सीआईडी का बाप हूँ। तुम क्या भूल गए थे मैं जानता हूँ। गेट अप गेट अप। हाँ तो बेटी इस रिश्ते की बात किससे की जाए? मेरी माँ मेरे बचपन में ही स्वर्गवास हो गई थी और मेरे पापा आज 2 बरस होने को आए कहीं गुम हो गए। How sad. माँ की जगह जिन्होंने मुझे पाला है मैं उन्हें आंटी कहती हूँ, वही मेरी सब कुछ है। आपको उन्हीं से मिलना होगा। क्या नाम है उनका? यशोधरा देवी। यशोधरा देवी? हाँ, उनके जीवन भी बड़ा दुखी रहा। उनके पति ने उनको छोड़ दिया था, तब से वो हमारी साथी रहती है। कहिए आप मुझसे मिलने आए हैं? जी। यशोधरा। यशोधरा? कौन है यशोधरा? जिस यशोधरा को आप जानते थे वो मर चुके, चले जाइए यहाँ। यशोधरा ठहरो। यशोधरा मैं जानता हूं कि तुम मेरी सूरत भी नहीं देखना चाहती, लेकिन मुझे अपने गुनाह का पूरा एहसास है क्योंकि मैंने ऐसे नाजुक वक्त में तुम्हारा साथ छोड़ा था जब तुम्हें मेरे सहारे की सख्त जरूरत थी। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, चले जाइए यहाँ से और फिर कभी मत आना। तुम्हें तलाश करते करते जब मैं उर्वशी महिला आश्रम पहुंचा तो तुम वहां से जा चुकी थी। मैं अपने बच्चे को साथ ले आया, मैंने उसे माँ और बाप दोनों का प्यार देकर पाला है। तुम उसे देखोगी तो फख्र से तुम्हारा सर ऊंचा हो जाएगा, इतना खूबसूरत है वो। मुझे यकीन नहीं आता कि जो आप कह रहे हैं वो सच है। यशोधरा मैं तुम्हारे पांव छूकर सौगंध खाता हूं कि ये सब कुछ सच है। ये क्या कर रहे हैं आप, उठिए ना। नहीं, पहले घर चलने के लिए हाँ कहो। यशोधरा तुम्हारी हाँ से मेरी जिंदगी बदल सकती है, एक बच्चे को उसकी माँ मिल सकती है। ये सीताराम ये देखो सेठ जी का टेलीग्राम आया है, वो आ जा रहे हैं, बल्कि अभी पहुंचते होंगे। सिंगल गए थे, डबल होकर चले आ रहे हैं। बहुत दिनों से सेठ जी को सेठानी जी की तलाश थी, सेठानी जी पहली बार इस घर में आ रही है। कोई फालतू बकवास नहीं करेगा। हम तो समझता था विजय बाबू का मां मर गया है। अरे तुम्हारा मुंह है क्या, तुमको बोला ना फालतू बकवास। आओ यशोधरा, आज तक तुम्हारे बगैर ये घर मुझे सुना सुना सा लगता था, अब तुम आ गई हो तो लो संभालो अपने घर की चाबी। यशोधरा ये क्या करती हो? ये तो मेरा ड्राइवर गोगो है, बचपन से इसी घर में पला है। गोगो? बड़ा अजीब नाम है, कौन जात हो? जी माँ जी, जात का तो मैं इंसान हूँ। वैसे नाम गोगो इसलिए है क्योंकि इस जमाने में इंसान इंसान का दुश्मन है, हर एक दूसरे को गोगो ही करता है, कोई कम कम नहीं करता। तो जब तक ऊपर वाला मुझे कम कम ना करे मैं इस दुनिया के लिए गोगो ही हूँ। मेरा बेटा कहाँ है? जी वो तो सरकारी काम से बाहर गए, कल तक आ जाएंगे। उसे देखने को मेरी आंखें तरस रही।
सिर्फ एक दिन की बात है, कल आ जाएगा, उसे जी भर के देखना और मन भर के बात करना। माँ जी, ये विजय भैया की फोटो है। विजय, मेरा विजय, क्या ये मुझे पहचानेगा? मुझे देख कर इसे खुशी होगी। माँ जी, विजय बाबू तो आपको देख कर खुशी के मारे रो पड़ेंगे। एक दिन माँ के बच्चे को अगर माँ मिल जाए तो ये तो ऐसा हुआ जैसे जुआ खेलने वाले को ताश में तीन इक्के मिल जाते हैं। वैसे माँ जी, मैं ताश नहीं खेलता और बोलता भी कम हूँ। बकवास बंद करो, जाओ यहाँ। हे भगवान, ये कोई बच्चे को नहीं तो नहीं, मेरे बेटे पर कोई आंच ना आ जाए। शीशे का टूटना तो अच्छा शगुन है, इसके माने आने वाली बला टल गई। हेलो, मुझे कैलाशनाथ जी से बात करनी है। हाँ, मैं कैलाशनाथ गुप्ता बोल रहा हूँ। आप कौन साहब हैं? मैं अपना नाम बता भी दूं तो आप कौन सा मुझे जान जाएंगे। वैसे मुझे सतीश राज कहते हैं। कहिए, कुछ फर्क पड़ा ये नाम जानकर? जब आप ये समझ जाएंगे कि मैं कौन, तो आपकी पूरी जिंदगी ही बदल जाएगी और जिन ख्यालों की दुनिया में आप आज तक रहते आए हैं, ये सब धर्म भरम हो जाएगी। क्या मतलब? जाहिर है, ऐसी बात फोन पर तो बताई नहीं जा सकती। आप अजंता पैलेस के कमरा नंबर 303 में तशरीफ ले आइए, सब बात आप पर जाहिर हो जाएगी। अच्छा, मैं 4 बजे आ जाऊंगा। थैंक यू। आप ये मिस्टर सतीश राज हैं? जी, मुझे कैलाशनाथ कहते हैं। कहिए, मेरे लिए वो ऐसी कौन सी बात है जो आप टेलीफोन पर नहीं बता सकते थे? खामखा आपने मुझे उलझन में डाल दिया। जल्दी बताइए, मेरे पास बहुत कम वक्त है। आपको यहां आने में जो तकलीफ हुई उसकी माफी चाहता हूं। दरअसल मैं उस हस्ती के दर्शन करना चाहता था जिसने कि मेरी मां को धोखा दिया और जो मेरे पैदा होने से पहले मुंह छुपाकर भाग गया। क्या मतलब? मतलब ये कि ये वो सच्चाई है जिससे कि आप नावाकिफ। आपको अपने किए की सजा मिली तो, लेकिन बहुत कम, क्योंकि आपको पता नहीं कि कुदरत ने आपको क्या सजा दी है। पहेलियों में बातें मत करो, जल्दी बताओ क्या बात है। क्या ये सच नहीं कि आप एक औरत की इज्जत से खेलकर बाद में उर्वशी महिला आश्रम से उस बच्चे को लेने गए थे जो कि आपने अपने प्यार की निशानी के तौर पर उसे दिया था? लेकिन तुम ये कैसे जानते हो? वो बच्चा आप वहां से ले आए, लेकिन वो बच्चा आपका नहीं था। वो बच्चा किसी दूसरी औरत का था जो कि उसी आश्रम में अपने बच्चे को जन्म देने के लिए आई थी। नहीं नहीं, ये गलत है, ये गलत है, यह हरगिज़ नहीं हो सकता। मैंने भी यही कहा था जब मेरी अंधी मां ने मुझे यह बताया था। मैं उन्हें ही अपनी मां समझता था, लेकिन पिछले महीने नागपुर में जब वो दम तोड़ रही थी तो उन्होंने मुझ पर यह राज जाहिर किया कि मैं उनका नहीं, आपका बेटा, क्योंकि उनका जो बेटा था उसे आप अपना बेटा समझकर पाल रहे। ये झूठ है, सरासर झूठ है। शुक्र है भगवान का कि उर्वशी महिला आश्रम की वो मैट्रन जिनका नाम सावित्री देवी है अभी तक जिंदा है। वो ये साबित कर देंगी कि ये हकीकत नहीं, कहानी है। तो ये लीजिए, ये उस गरीब विधवा की तस्वीर है जिसके बेटे को आप अपना बेटा समझकर उठा लाए थे और अपना बेटा उसकी गोद में पलने के लिए छोड़ आए थे। अगर सावित्री देवी जिंदा तो ये जरूर साबित हो जाए कि ये कहानी नहीं, हकीकत है। मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है ये कहानी नहीं, हकीकत है। सावित्री देवी, एक बार फिर सोच लीजिए, फिर सोच लिए, कहीं आपको गलत फहमी ना हुई। गुप्ता साहब, मैं आपके कसूरवार हूँ, ये सब मेरी वजह से हुआ है। ओ, ओ, तो ये बात आपने उस दिन क्यों नहीं बताई जिस दिन आप मेरे घर आई? आपने विजय को अपने दिल के टुकड़े की तरह से पाला है। ये रास फाश करके मैं आप दोनों की खुशी तबाह नहीं करना चाहती थी, लेकिन आज आप सच्चाई को जानना ही चाहते हैं तो मैं हकीकत को कहानी कैसे बना दूं, कैसे बना दूं? यशोधरा, मुझे मालूम है तुम क्या सोच रही हो, लेकिन विजय मेरे दिल का टुकड़ा बन चुका है। कहां एक बिन मां के बेटे को मैं उसकी मां का प्यार दिलवाने वाला था और कहां उसके सर से बाप का साया भी उठा रहा हूं। अच्छा ही हुआ जो मैं विजय से नहीं मिली, नहीं तो मेरे दिल को और एक दुख पहुंचता।
मैं अपने बेटे के मुंह से माँ सुनना चाहती हूँ, मुझे मेरे बेटे के पास ले चलिए। कहिए, ये हकीकत निकली या कहानी? अगर ये कहानी होती तो आप यहाँ दोबारा तशरीफ नहीं लाते। मैं भी इनके साथ आई हूँ बेटा। बेटा, मैंने आपको कब ये अधिकार दिया कि आप मुझे बेटा कहें? तो क्या, ये अधिकार भगवान भी मुझसे नहीं छीन सकता। मैंने अपनी खोक से तुझे जन्म दिया है, मैं तेरी माँ हूँ। माँ? वाह, क्या माँ बाप है मेरे। ये मेरे बाप जिन्होंने मेरी माँ को धोखा देकर छोड़ दिया, और आपको माँ कहूँ जिन्होंने मेरे पैदा होते ही मुझे बोझ समझकर फेंक दिया। मुझे और जलील मत कर बेटे, एक बार माफ कर दे। हम ये साबित कर देंगे कि दुनिया में हमसे अच्छे माँ बाप और नहीं है। लेकिन अगर तू हमसे नफरत करता रहा तो हमें ऐसा लगेगा किसी ने हमें नरक में धकेल दिया। मैं तुझसे प्यार की भीख मांगती हूँ बेटे। बस और शर्मिंदा ना करो माँ, आज तक यही सुना था कि माँ बच्चे को प्यार ही प्यार देती है, लेकिन आज पहली बार देख रहा हूं कि माँ बच्चे से प्यार मांग रही है। मुझे माफ कर दो माँ। बेटा बेटा, अब हम तीनों मिलकर अपने घर को स्वर्ग बनाएंगे। तीन नहीं चार कहो यशोधरा, विजय भी तो हमारे साथ रहेगा। विजय? कौन विजय? जिसने आपके दिल में, आपके घर में मेरी जगह छीन ली, जो आपका बेटा बनकर ऐश करता रहा, जिसने मुझे दुख और गरीबी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर किया। तुम ये क्यों नहीं सोचते सतीश कि तुम्हारी गैर मौजूदगी में विजय ने ही तो मुझे बेटे का प्यार दिया है। अब अगर आप अपने असली बेटे का प्यार चाहते हैं तो विजय को घर से निकालना होगा, ये मेरा आखिरी फैसला है। तुम विजय को नहीं जानते, भगवान उसे शक्ति दे कि वो ये सब कुछ सुनकर उसे सहन कर सके। तुम देखना सतीश कि वो खुद ही तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़कर अलग होना चाहेगा, लेकिन मैं उसे अलग नहीं कर सकता। तो फिर मैं भी उस घर में कदम नहीं रख सकता। आप लोग जा सकते। आप उसे नहीं निकालना चाहते तो मत निकालिए, उसी के साथ रहिए। मैं अपने बेटे के साथ रहूंगी, इसे देख देख कर जीऊंगी। बेटा तुम जाना नहीं, मैं अपना सामान लेकर आती हूँ। यशोधरा, गोगो, जो कुछ तुमने मुझे बताया है सच है तो मुझे सतीश बाबू के होटल ले चलो। माना कि सतीश मेरा अपना बेटा है, लेकिन उसके खातिर मैं विजय को घर से कैसे निकाल दूं? किस मुंह से उससे कहूं कि तू यहां से चला जा? मैं तो क्या, घर का एक एक नौकर तक उसे प्यार करता है। तो आप उसके गुनगाते रहिए, मैं चलिए अपने बेटे के पास। नहीं माँ जी, आपको ये घर छोड़कर नहीं जाना पड़ेगा। अच्छा, तो तुम विजय हो? माँ जी, मैं ही विजय हूँ, और इस घर में मैंने ही आपकी बेटी की जगह ले रखी। विजय जी, मुझे गोगो ने सब कुछ बता दिया है, मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। नहीं विजय, नहीं, तुम नहीं जा सकते बेटा, तुम नहीं जा सकते। तुम्हारे बगैर ये घर सूना हो जाए। मैं इस घर से जा रहा हूँ डैडी, आपके दिल से तो दूर नहीं जा रहा। आपके एहसानों का बदला चुका सकता हूँ मैं, क्या कुछ नहीं दिया आपने मुझे, रुपया पैसा आराम आसाइश, आपने मुझे नाम दिया है, अपने नाम की इज्जत दी है। डैडी, ये कर्जा तो मैं कभी नहीं चुका सकूंगा, लेकिन आपके प्यार का सच्चा हकदार आपका बेटा सतीश है, मैं उसे अपने साथ लाया हूं। सतीश बाबू। सतीश बेटी, तुम आ गए। माँ जी, अब तो आप घर छोड़कर नहीं जाएंगे। विजय, सतीश बेटा, अब तुम्हें इसे रोक लो, क्यों जिद करते हो, इसे भी इसी घर में रहने दो, मैं तुम्हारे पांव पड़ता हूं। ये क्या कर रहे हैं आप ही ने तो सिखाया था इंसान का सर सिर्फ भगवान के आगे झुकना चाहिए, इंसान के आगे नहीं। ठीक है बेटा, लेकिन अब सतीश ही मेरे लिए भगवान का रूप है, यही मुझे जिंदगी भर का सुख या दुख दे सकता है। मैं भगवान नहीं, मैं तो खुद एक दुखी आदमी हूं जो आज तक प्यार के लिए तरसता रहा। मैंने सोचा था कि अब जाके मुझे माँ बाप का प्यार मिलेगा, लेकिन मेरे नसीब में ये सुख कहां। आज अपने घर तक पहुंचने के बाद भी मैं देख रहा हूं कि आप लोग ये सुख मुझे नहीं देना चाहते, इसलिए मैं जा रहा हूं। सतीश बेटे, तू कहां जा रहा है? मैं भी तेरे साथ चलूंगी। नहीं मां जी, आप दोनों में से कोई भी नहीं जाएगा, ये घर तो आप लोगों का है,
सतीश बाबू, आपका जितना एहसान मानूं उतना कम है। आपने मेरी अंधी लाचार माँ की देखभाल की है, बस एक एहसान मुझ पर और कर दीजिए, मेरी माँ की तस्वीर मुझे दे दीजिए। तस्वीर मैं कैसे दे दूं? यही तो उनकी एक आखिरी निशानी रह गई है। मुझे भी उनकी याद प्यारी है, मैंने भी उन्हें मां माना था। खैर, इसे अपने से जुदा करने को जीत नहीं चाहता, लेकिन खैर, ये लो संभाल कर रखना, एक ही कॉपी रह गई। विजय, अपना सामान तो लेते जाओ। इस घर में खाली हाथ आया था, आज प्यार ही प्यार लेकर जा रहा हूं। सीताराम, मेरा कहा सुनना, माफ करना। हो सकता है भूल से कभी कोई ऐसा लफ्ज मेरे मुंह से निकल गया जिससे आप लोगों को दुख पहुंचा। दुख तो आप हम लोगों को दे रहे हैं जो हमें छोड़कर जा रहे हैं। अब तो हम ही घर मना रहा। नहीं सीताराम, अगर तुम सचमुच मुझे प्यार करते हो तो उस प्यार की कसम मेरे बाबूजी, मां जी और सतीश बाबू का ख्याल रखना। क्यों बच्चों की तरह रो रहे हो? मैं कहाँ रो रहा हूं? मैं नहीं रो रहा। विजय भैया, आपका मेरा खून का रिश्ता तो नहीं, लेकिन प्यार का रिश्ता जरूर है। मेरा भी एक छोटा सा घर है जहां आराम के लिए ये सब चीजें तो नहीं, लेकिन गरीब की झोपड़ी से आपको दिखाने वाला कोई ना होगा। गोगो, मेरे यहां चलिए। गोगो, मैं जानता हूं तुम मुझे बहुत प्यार करते हो, और मैं ये भी जानता हूं तू अपने घर में मुझे बहुत प्यार से रखेगा। और फिर घर तो वही है जहां आदमी को प्यार मिला। गोगो, जिस तरह मैं तेरे दिल में बसा हूं, तेरे घर जरूर आऊंगा, जरूर आऊंगा। आज नहीं, आज मुझे जाने दे, आज मुझे जाने दे। मैडम आओ। अच्छा सुन, एकदम स्कीम फिट बैठी है, किसी को भी किसी बात पर शक नहीं हुआ। तुमने स्कीम ही ऐसी जालिम बनाई थी माँ, क्या दिमाग पाया। अमेरिका में सिंडिकेट भी ऐसी चाल नहीं बना सकते। ना अचानक कैलाश नाथ से मुलाकात होती, ना उसकी बेपनाह दौलत देखकर मेरे मुंह में पानी आता। मैंने सोचा ये भी कोई बात है, कैलाश नाथ का बेटा ना होते हुए भी विजय लाखों की दौलत में खेले, और मेरा अपना बेटा थोड़े थोड़े रुपयों के लिए चीटिंग करता फिरे। कितना ख्याल रखती है मेरी माँ। अम्मा एक बात बताओ, वो लक्ष्मी बाई का क्या हुआ? विजय की माँ? हाँ। होना क्या था, मर खप गई होगी। नहीं तो इतने बरसों में एक बार भी अपने बेटे का पता पूछने मेरे पास नहीं आती। ये पता बता सकते हो? पता? हाँ बता दो। पता बाद में बताऊंगा, पहले ये पेटी मुझे दे दो। नहीं नहीं, नहीं! जाओ। जाओ रहिए, जाओ बेटा, अपना काम करो, जाओ अपना काम। Thank you.
लीजिए अपना नेकलेस। भगवान तुम्हें सुखी रखे, तुमने अपनी जान जोखों में डालकर मुझ गरीब की सहायता की। जीते रहो बेटा, जीते रहो। माँ जी, जितने प्यार से आपने मुझे बेटा कहा है, इतना प्यार पाने के लिए तो कोई भी अपनी जान खतरे में डाल सकता है। कहाँ जाना है आपको? मेरा बेटा यहाँ रहता है, मैंने अपने आने का तार भी दिया था उसे, न जाने वो मुझे लेने क्यों नहीं आया। यहाँ क्या एड्रेस है? आप नाम बताइए, मैं आपको छोड़ूंगा। मैंने तो उसका नाम राम मिलन रखा था, लेकिन उसने बदल कर गोगो रख लिया है। आप गोगो की माता जी हैं? तुम मेरे बेटे को जानते हो? माँ जी, गोगो और मैं तो एक साथ रहते हैं, और जब मैं आपको साथ लेके जाऊंगा गोगो खुशी से पागल हो जाएगा। आइए मेरे साथ। आइए माँ जी। माँ जी आप जरा यही ठहरिए, मैं गोगो को बनाता हूँ। अरे यार, तुम लोग को बोल दिया ना, अगले महीने की तनख्वाह पे सब जो पैसे दे दूंगा। ये महीने की तनख्वाह इनकम टैक्स ने ले लिया, सोने दो यार, ठोका टाके बंद करो। दरवाजा खोलो। दूध वाला, पांव वाला और बनिया, ये तीनों की आवाज मेरे रोम रोम में बसी, ये चौथी आवाज कहां से निकल रही? कौन है? पुलिस। पुलिस से तो मैंने कभी उधार नहीं लिया, शायद भूल चुक में किसी हवलदार से ले लियो। चलो इसके भी पांव पकड़ लेंगे। मैं लोगों से उधार जरूर लेता हूँ भाई बाप, लेकिन फौरन चुका देता हूँ। इस बार थोड़ा सा लेट हो गया भाई बाप, क्योंकि मेरा घोड़ा और मटका दोनों उल्टे लग गए भाई बाप। मेरे को थोड़ी सी मोहलत और दे दो, मैं सबके पैसे दूध में धो के दे दूंगा भाई बाप। अभियोग करे सर, मैं हूँ विजय। विजय बाबू, विजय भैया, अपने को ये मजाक नहीं अच्छा लगता। मैं बीमार आदमी हूँ, मेरी तीनों चीजें खराब है, दिल, गुर्दा और मेरी कलेजी। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या तोहफा लाया। ये पिस्टल लाया। नहीं, इधर देख। तुम कभी आए माँ? चलो मेरा तार तुझे नहीं मिला। तार मारता क्यों यार? माँ तुम तो ट्रेन से आई हो ना, ये तार वाले तो साइकिल पर आते हैं। इन तार घर वालों को चाहिए कि सब तारे इकट्ठी करके उनकी सितार बनाए और अमेरिका एक्सपोर्ट कर दे। वहाँ के लोग बहुत बजाते हैं और फिर अपनी गवर्नमेंट को फॉरेन एक्सचेंज भी मिलेगा। बैठो ना माँ। पर विजय भैया, तुम स्टेशन कैसे पहुंच गए? तेरे दोस्त ने मुझे ठगों के हाथों से बचाया। बड़ा अच्छा है तेरा दोस्त। माँ जी हम दोस्त नहीं, हम तो भाई जैसे हैं। मुझे भी अपना बेटा समझिए। ये तो खुशी की बात है, माँ का प्यार मीठे कुएं का पानी है, जितना भी पियो बढ़ता ही जाता है। तुम्हारी माँ कहाँ है? मेरे नसीब में माँ का प्यार लिखा ही नहीं। ऐसा नहीं कहते बेटा, आज से तुम मुझे अपनी माँ समझो। हाँ माँ जी। हाँ विजय भैया, आज से तुम मेरी माँ को अपनी माँ समझना, समझोगे ना? हाँ गुगु। और हर पहली तारीख को अपनी पूरी की पूरी तनख्वाह लाकर मेरी माँ के हाथ में दे देना, ताकि मेरे कर्ज का बोझ हल्का हो जाए। जरा गोगो चाय बोलना चलता। हाँ, हाँ, बोलता। ए बार वाला, एक तीन चाय ला, पानी कम, दूध ज्यादा, मलाई मार के। अरे सुन, खाना तू बाहर से मंगाता है? हाँ माँ, अब तुम आ गई हो ना, अब तुम्हारे हाथ से खाना खाएंगे। चाय के पैसे है? हाँ है, हाँ, है। हाँ, और माँ मिठाई उठाई कुछ लाया वहां से? लिप्टन म्हणजे उत्तम चा, आणि उत्तम म्हणजे लिप्टन चा। ये वो चाय है जो सर्दी में गर्मी पहुंचाती है और गर्मियों में ठंडक। वेरी गुड, वेरी गुड। क्यों गोगो उस्ताद, आज तो नगद माल मिलेगा फिर उधार खाता। अबे माँ सामने बैठी, पोल खोला। माँ माँ नमस्ते कर। जैन भाई, बड़ा प्यारा बच्चा। क्या नाम है बेटे तुम्हारा? माँ ने नाम दिया था मनसब अली, यहाँ पहुँच के हो गया हूँ महमूद अली। पर किस्मत ची अशी गड़बड़ झाली, क्या काम में सुनने पड़े है गाली, इसलिए मेरा भेजा बिल्कुल है खाली। अब मैं बैठ के गाता हूँ कवाली, आप सब मिलके बजाओ ताली। इसी तरह शायरी करते रहे ना तो फिल्मी शायर जरूर बन जाएगा। विजय बाबू बस यही काम रह गया था, बाकी तो सब पापड़ बेल के देख लिए। क्या मतलब भाई? अपन को कोई काम जमा नहीं, भीख मांगना शुरू किया तो लोग बोलते अंधा है क्या जो भीख मांगता है, बूट पॉलिश कर, पेपर बेच। जब अंधा बन के भीख मांगना शुरू किया तो लोग खोटे सिक्के ठिकाने लगे। दीन धर्म के काम में भी ईमानदारी नहीं है भाई। फिर मैंने फुट पॉलिश की पेटी जमाई, ऊपर से बारिश गिरने लगी, लोग रबड़ के जूते पहनने लगे,
जो घिस तो सकते हैं लेकिन फट नहीं सकते। फिर सैनी माँ की टिकटें ब्लैक की, 2 का 3.5, 2 का 3.5, लेकिन इन फिल्म वालों ने पिछले साल ऐसी बोगस फिल्में बनाई कि 3.5 की टिकट 2 के भाव बेचनी पड़ी, वो भी धंधा छोड़ना पड़ा। भाई अपन ने दागे का धंधा किया, दूसरा ही दिन इन पुलिस वालों ने ऐसी पिटाई की कि अभी तक कमर झटके खा रही है। वैसे भाई अभी धंधे में कुछ रहा नहीं, पीने वालों को सरकार ने परमिट दे दी और अपना धंधा। अब तो तू इस काम में खुश है ना? खुश इसलिए हूँ भाई कि मैंने टैक्सी वालों से एक तरकीब सीखी है। अगर 1 रुपया 70 पैसा मीटर पे हो और पैसेंजर 2 की नोट दे तो कहते हैं छुट्टा ही नहीं नोट जेब में। मैं भी ऐसे ही करता हूँ, नोट दिखी तो खड़े से कहता हूँ छुट्टा ही नहीं, अगर ग्राहक जल्दी में हो तो नोट छोड़ जाता, फिर तो अपनी चांदी चांदी। बाय वाला। आया साहब जल्दी पैसा निकालो। ये लो चाय के 60 पैसे, 40 वापस लाओ। छुट्टा नहीं है सेठ। अरे वाह बेटा, हमारी बिल्ली हमी से भी आओ। अब छुट्टा कहाँ मिलता है बॉम्बे में गोगो सेठ? अच्छा ये लो। लिप्टन मंजे उत्तम चा अनि उत्तम मंजे लिप्टन चा। तुम तुम पूरा आकाशवाणी। और 1-2-3 रुपए है। तीन दया तुमने पुलिस में कंप्लेंट दे दी, गोगो का भी छमछम को फोन आया था कि शो के बाद मैं तुम्हें भगा के ले जाऊंगा, मैंने अपने कानों से सुना है। जटाधारी आज गोगो आएगा तो जेल की हवा खाएगा, छमछम की हिफाजत के लिए इंस्पेक्टर आता ही हो। अच्छा अच्छा जाओ जल्दी मेकअप करो, अभी तक तुमने बाल नहीं बनाए, कपड़े नहीं पहने, शो का वक्त हो गया। बाबूजी मैं डांस नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। तुम्हें डांस करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। गोगो का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो, मेरी बेटी की शादी एक ड्राइवर के साथ नहीं हो सकती। गोगो ड्राइवर हो या बटलर हो, शादी करूंगी तो इसी से करूंगी। कम इन। जटाधारी कौन है? मैं हूँ, आप कौन है? आप तो सिर्फ जटा लग रहे हैं, धारी कहाँ? जटा भी मैं हूँ, धारी भी मैं हूँ, तुम कौन हो? सीक्रेट एजेंट 420। 420 यानी 420? नो, 420 नहीं, 420। मुझे कमिश्नर साहब ने भेजा है आपकी लड़की की देखभाल करने के लिए। मगर हमने तो इंस्पेक्टर को बुलाया था। ऑफ कोर्स, मैं लड़की भगाने में एक्सपर्ट हूँ। क्या? मेरा मतलब है उस लड़की को रोकने में एक्सपर्ट हूँ जो भागना चाहती है, और जो लड़की को भगाना चाहते हैं वो मेरा नाम सुनते ही भाग जाते हैं। लड़की तो लड़की, मेरी नजरों से तो मच्छर और मक्खी भी नहीं बच सकती। ए, एक मिनट। ये क्या? मक्खी जो मर गई। ये कन्या कौन है? ये मेरी बेटी छमछम। आपकी बेटी? इम्पॉसिबल, मैं यकीन नहीं कर सकता। वाह 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 वाह, कितनी गोरी, बिल्कुल ताजमहल की तरह खूबसूरत। और तुम डांबर के रोड, काला भुजक्कर, ब्लैक मार्केट, क्या कहा? मैं ये कह रहा था कि यही आपकी बेटी है। हाँ हाँ, गोगो अब यहाँ नहीं आ सकता ना? गोगो डेफिनेटली यहाँ आएगा। नहीं, क्या? गोगो कैसे आ सकता है? हम जो यहाँ पर आ गए कन्या, चलो भागने के लिए तैयार हो जाओ। क्या कहा? मेरा मतलब है डांस करने के लिए तैयार हो जाओ, और तुम भी चलो मेरे साथ। कहा? बाहर चलो। चलो। अब मुझे पूरा विश्वास हो गया, गोगो आया तो तुम्हारे हाथ से बच के नहीं जा सकता। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, ये बताइए कि वो खोली किसकी, मेरा मतलब वो कमरा किसका? वो दीनदयाल का। दीनदयाल का? तो मैं पहले दीनदयाल की देखभाल करूं, क्योंकि उसके दिन खराब आ गए। आप जाइए, गेट आउट। जाइए। दीनदयाल, तुम अभी तक रेडी नहीं हुए? कौन कम? मैं हूं सीक्रेट एजेंट 420। लेकिन यहां क्या कर रहे हो? ओफो, ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, पहले वो देखो वो क्या है। मुझे किसी ने मारा? हाँ। कैसे? बताता हूं, ऐसे। दीनदयाल तुम अभी तक तैयार नहीं हुए? कपड़े बदल रहे हो, कोई बात नहीं, मगर तुमने 420 एजेंट बहुत अच्छा भेजा है। आप मेरी छमछम को गोगो का, गोगो का बाप भी इस जन्म में क्या, अगले जन्म में भगा के नहीं ले जा सकता। अच्छा अच्छा जल्दी तैयार हो के आ जाओ। Thank you.
आ गया, रोको आ गया, रोको आ गया, रोको आ गया, रोको आ गया। हम आ गए फिर डर काहे का, हम आ गए फिर डर काहे का, हम आ गए फिर डर काहे का, हम आ गए फिर डर काहे का। जलने वाले जलेंगे, मरने वाले मरेंगे, हम तो शादी करेंगे। हम आ गए फिर डर काहे का, हम आ गए फिर डर काहे का। जलने वाले जलेंगे, मरने वाले मरेंगे, हम तो शादी करेंगे। हम आ गए फिर डर काहे का, हम आ गए फिर डर काहे का। छोड़ेंगे उसे, मौत की देंगे सजा। वो प्यारी बुलबुल को अगर कैद कौवे न किया, हम न छोड़ेंगे उसे, मौत की देंगे सजा, मौत की देंगे सजा, देंगे सजा, देंगे सजा। हम आ गए फिर डर काहे का, हम आ गए फिर डर काहे का। जलने वाले जलेंगे, मरने वाले मरेंगे, हम तो शादी करेंगे। हम आ गए फिर डर काहे का, हम आ गए फिर डर काहे का। दिल है तेरी, हम बचा लेंगे तुझे, जान मन लाल परी। बाप जालिम है तेरा, माँ भी कातिल है तेरी, हम बचा लेंगे तुझे, जान मन लाल परी, जान मन लाल परी, लाल परी, लाल परी। हम आ गए फिर डर काहे का, हम आ गए फिर डर काहे का। चलने वाले चलेंगे, मरने वाले मरेंगे, हम तो शादी करेंगे। हम आ गए फिर डर काहे का, हम आ गए फिर डर काहे का। हाय बल्ला सी कमर, मार डाला है मुझे तूने ओ जान जिगर। लग के छल्ला सी कमर, हाय बल्ला सी कमर, मार डाला है मुझे तूने ओ जान जिगर, तूने ओ जान जिगर, जान जिगर, जान जिगर। हम आ गए फिर डर काहे का, हम आ गए फिर डर काहे का। जलने वाले जलेंगे, मरने वाले मरेंगे, हम तो शादी करेंगे। हम आ गए फिर डर काहे का, हम आ गए फिर डर काहे का। भगवान।
भगवान ने मुझे सब कुछ दे दिया है, घर बार पति का प्यार, तुम तो मेरी हो ही, अपना बेटा भी मुझे मिल गया। फिर भी एक चीज की कमी रह गई। किस चीज की? मेरा बेटा मुझसे प्यार नहीं करता। लेकिन क्यों? बचपन में मैं उसे छोड़ आई थी, इसलिए उसने माफ नहीं किया। माँ, खाने पे मेरा इंतजार न करना, मैं रात को देर से आऊंगा। सतीश बेटे, कविता, यह है कविता और यह है मेरा बेटा सतीश, जिसके बारे में मैं अभी अभी बात कर रही थी। मिस कविता, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। माँ अक्सर आपका जिक्र करती रहती, इन्होंने बताया है कि आप पेंटर भी हैं। क्या आप सचमुच इतने ही खूबसूरत तस्वीरें बनाती हैं जितने कि आप खुद हैं? यानी तुम ये कहना चाहते हो, जब यशोधरा ने कविता से सतीश का परिचय करवाया तो कविता ने पहचान लिया कि ये वही आदमी है जिसकी आवाज उसने एक बार टेलीफोन पर सुनी थी? यस सर, क्योंकि कविता ने खुद मुझे बताया कि जिस रोज शाम कुमार ने उसे 8 बजे मिलने को कहा था, ठीक उसी दिन उसने किसी अशोक नाम के आदमी का फोन अपने अंकल के नाम रिसीव किया। लेकिन फोन पर आवाज सुनकर उसे यकीन हो गया कि अशोक और सतीश दो आदमी नहीं बल्कि एक ही आदमी के दो नाम। सर, हम क्यों मान रहे हैं कि जो कुछ सावित्री देवी कह रही है वो सच है? उसी के कहने पर मुझे कैलाशनाथ जी का घर छोड़ना पड़ा, उसी के कहने पर उन्हें सतीश को अपना बेटा मान लिया, जबकि कविता के फोन टेस्ट से साबित हो चुका है कि सतीश और अशोक एक ही आदमी के दो नाम। मुझे तो शक है इसमें सावित्री देवी की कुछ चाल है, हो सकता है वो झूठ बोल रही है। हो सकता है जो तुम सोच रहे हो वो ठीक हो। सर, मेरे ख्याल में सावित्री देवी से जल्दी मिलना चाहिए। नॉट ए बैड आइडिया, गो अहेड। थैंक यू सर। बेटा, तुम कहते हो कविता ने सिर्फ एक ही दफा अशोक की आवाज सुनी थी और वो भी फोन पर, और अब सतीश की आवाज सुनते ही पहचान लिया कि वही आदमी है? कविता को यकीन है अशोक और सतीश एक ही आदमी के दो नाम है। माँ जी, इस तस्वीर को देखकर पहचानिए, क्या ये उसी औरत की तस्वीर है जिसके बच्चे के साथ जो शोधरा जी का बच्चा बदला गया? क्योंकि अगर ये उस औरत की तस्वीर नहीं है तो क्या हुआ? तो मुमकिन है कैलाशनाथ जी के घर जिस आदमी ने मेरी जगह ली है वही कविता के बाप का कातिल। मेरी नजरें कभी धोखा नहीं खा सकती बेटा, यही तुम्हारी माँ है। गौर से देखिए, बात बहुत पुरानी हो गई है, हो सकता है आप पहचानने में भूल कर रही हूँ। मेरी नजरें कभी धोखा नहीं खा सकती बेटा। माफ करना माँ जी, आपको तकलीफ दी। कोई बात नहीं बेटा, ये तो अच्छा ही हुआ तुमने अपना शक दूर कर लिया। सतीश पर अब तो कोई शुबा नहीं ना? देखिए, मैं CID में हूँ, शुबा करना तो हमारा काम है। नमस्ते। नमस्ते बेटा। माँ, क्या बात है, टेलीफोन पर तुम बहुत घबराई हुई लग रही। अशोक, जिस बात का मुझे डर था वही हुई। सर, मेरा शक बिल्कुल ठीक निकला, सावित्री और सतीश राज दोनों अंदर से एक दूसरे से मिले थे। अब विजय आएगा, हम दोनों के हाथ कड़ी लगा देगा। अरे मेरी माँ होकर डरती हो? घबराओ नहीं, मैं सब ठीक कर दूंगा, आओ मेरे साथ। इसीलिए हमें सतीश राज पर कड़ी नजर रखनी पड़ेगी। आपका मतलब अशोक पर? ऑफकोर्स ऑफकोर्स। मुझे इस आदमी का टेलीफोन भी टेप करना होगा। गो अहेड। डॉक्टर साहब, मेरी माँ के बुखार को ब्रेक लगाइए। डॉक्टर साहब, इन्हें जब भी बुखार आता बड़ी तेजी से आता, ऐसे लगता है डॉक्टर साहब जैसे किसी ने एक्सीलेटर पर पैर रख दिया हो, और इनका बुखार 100 की रफ्तार से भागने लगता है, बिल्कुल इम्पाला कार की तरह। और डॉक्टर साहब, रात को बहुत डर लगता है, इनकी आंखें बुखार की वजह से फुल लाइट मारती हैं, बहुत चमकती हैं। डॉक्टर साहब कुछ करिए। डॉक्टर साहब, ये गोलियां दे रहा हूँ। क्या दे रहे हैं? गोलियां। अच्छा, लाल गोली सुबह नाश्ता करने से पहले, और हरी गोली रात को सोते वक्त दूध के साथ। हरी गोली खाते ही बुखार रुक जाएगा। क्या मजाक कर रहे हैं आप डॉक्टर साहब, वो भी एक ड्राइवर के साथ में। डॉक्टर साहब, हरा सिग्नल देखकर तो गाड़ी आगे बढ़ती है और लाल सिग्नल देख के गाड़ी रुक जाती है। अगर आप बोले तो लाल गोली सुबह दे दो ताकि बुखार को ब्रेक लग जाए। डॉक्टर साहब को पैसे दो। हाँ, पैसे। डॉक्टर साहब, आपके पास एक 5 रुपए है? हाँ, क्यों? बताइए ना, ये 5 और इस दवाई के 5 मैं आपको अगले महीने पगार के दिन दे दूंगा। क्या? मेरा खाता चलता है, मैं चलो ना। कोई बात नहीं। नमस्ते। नमस्ते। सुबह को लाल गोली, शाम को हरी गोली। नहीं, सुबह को हरी गोली, शाम को लाल। मां, मैं भूल गया, आप यहीं घर में पूछ के आते। हो गया मां, चलो।
घर में आराम करो, मैं सेठ को चक्कर देकर आता हूँ। यस, मुझे अशोक से बात करनी है। अशोक? रॉन्ग नंबर, यहाँ कोई अशोक नहीं रहता। अशोक ना सही, सतीश राज तो है। आप कौन हैं? मैं सतीश राज बोल रहा हूँ। दीवान साहब तो मिल नहीं रहे, शुक्र है आप तो मिले। कहिए, क्या कहना है आपको? हुजूर, मेरे पास एक सबूत है, उसके बारे में बात करनी थी। सबूत? कैसा सबूत? वो सबूत जो श्याम कुमार ने मेरे पास रख छोड़ा था, और उसने मुझे हिदायत कर दी थी कि अगर उसे कुछ हो जाए तो मैं ये सबूत फौरन पुलिस के सुपुर्द कर दूं। श्याम कुमार को तो आपने ठिकाने लगा ही दिया है, अब हुजूर अगर आप हुक्म करें तो फौरन पुलिस से मिलकर आपको ठिकाने लगा दें। बोलो क्या चाहते हो? आदमी समझदार मालूम होते हैं, लाख रुपए में सौदा हो सकता है। लाख रुपए लेते आइए और वो सबूत ले जाइए। जगह बताओ। जुहू पर कॉलोनी के पीछे सागर तरंग शेख में, ठीक रात के 9 बजे। और सुनिए, रुपए कैश ही होने चाहिए, 100-100 के नोटों में। हेलो दीवान साहब, वही हुआ जिसका कि डर था। श्याम कुमार जिस आदमी के पास हमारा राज लिखकर छोड़ गया है, वो हमें ब्लैकमेल कर रहा है, 1,00,000 रुपया मांगता है। ये तो गजब हो गया, अब क्या किया जाए? आप तो जानते हैं कि विजय की मुझ पर नजर है, हो सकता है कि उसने अपने आदमी मेरे पीछे लगा रखे, इसलिए आप 9 बजे से पहले ये रुपया वहां पहुंचा दें। तुम बेफिक्र रहो अशोक, मेरा मतलब है सतीश, अगर वाकई उसके पास सबूत मौजूद हुआ तो मैं सौदा कर लूंगा। ठीक है, लेकिन जाना कहां? सागर तरंग। अच्छा, लेकिन जरा होशियार रहिएगा। देखो, अगर 9:30 बजे तक मेरा फोन ना आए तो फिर तुम मेरी मदद को आ जा। दरवाजा खुला है, चले आइए। अंधेरा क्यों कर रखा है, लाइट ऑन कीजिए। ओ दीवान साहब, अशोक की जगह आप तशरीफ लाए, क्यों ना हो, आखिर को पार्टनर है, और वो भी जुर्म में। रुपए ले आए? जिससे लेन देन होना है उसकी शक्ल तो दिखाई देनी चाहिए। ऐसे काम अंधेरे में ही हुआ करते हैं दीवान साहब, और फिर आप मेरी सूरत देखने नहीं, वो सबूत देखने आए। कहां है वो सबूत? आप जिस मेज के पास खड़े हैं उसकी दराज में मौजूद है, खोल कर देख लीजिए। क्यों, तसल्ली हो गई? फोटो के साथ जो श्याम कुमार का खत है उसे भी पढ़ लीजिए। उसने आपके जुर्म का राज खोला है, किस तरह आपने अशोक के साथ मिलकर अपने सौतेले भाई बिहारी लाल को ठकाने लगाया। ये चिट्ठी श्याम कुमार की नहीं, मैं उसका हैंडराइटिंग पहचानता हूँ। और इस फोटो का नेगेटिव कहाँ है? श्याम कुमार के हाथ की लिखी हुई असली चिट्ठी और नेगेटिव दोनों मेरे पास है, क्योंकि रुपए अभी तक आपके पास है। ₹10,000, ₹20,000, खबरदार तेरे तो गोली मार दूंगा। मुझे ब्लैकमेल करने चले थे? निकालो वो चिट्ठी और नेगेटिव। इतना तो सोच लिया होता कि मैं अगर तुम्हारे दोस्त श्याम कुमार को चलता कर सकता हूं और अपने भाई बिहारी का खून कर सकता हूं तो मैं। कमीने, धोखेबाज, खूनी, तूने मेरे पापा का खून किया है। बात छोड़ दो दीवान। तूने मेरे पापा का खून किया है। तूने मेरे पापा को मारा है। कविता, तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। कविता, जाओ, जाओ, मुझे मैं तुम्हें कानून का अपने हाथ में नहीं लेने दूंगा। ये तूने इससे क्यों नहीं कहा जब ये मेरे पापा का खून कर रहा था? मुझ पर कहां थे सब? कहां था तुम्हारा कानून? मैं सब बदला नहीं करूंगी। कविता, होश में आओ।
मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ हम इसे फांसी पर चढ़ा के रहेंगे, क्योंकि इसने खुद अपना जुर्म कबूल किया है जिसे हमने टेक कर लिया है। कविता हिम्मत से काम लो। जाता कहाँ है बदमाश? ओ दीवान, अशोक को फोन करो, सादा हो गया तुम उससे मिलने आए। फोन करो। सतीश, सौदा हो गया। वेरी गुड, मुबारक हो। तुम फिक्र न करो, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं। सर, कविता का जरा ख्याल रखना, मैं सतीश से निपट कर आता हूं। ओके, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। दीवान, बुरे काम का बुरा अंजाम होता है। तेजस, ए गाड़ी जल्दी इधर लाओ। सुना नहीं? मैं तुझसे कह रहा हूं। ओ, मैं समझा आप कुत्ते बिल्लियों को हकाल रहे हैं। वैसे किसी इंसान का नाम नहीं होता, वह मेरा नाम भी नहीं है। मेरा नाम है गोगो और ये आप अच्छी तरह जानते हैं, शायद आप मुझे पहचानते नहीं। अगर इस घर में आप दो चार दिन और टिक गए तो वो भी जान जाएंगे। जानता है तो किससे बात कर रहा है? हाँ, सतीश भल्ला, मेरा मतलब है सतीश राज जी से। यही नाम आपने सबको बताया ना? वैसे सुना है कि सेठ जी की आप इकलौती एक औलाद है, सूरत तो आपकी मिलती नहीं, ऊपर वाला जाने। बदतमीज। सतीश जी, मेरे मसल्स को हाथ लगा के देखिए, बड़े कड़क है, अखाड़े में मैंने बनाए, कहीं आपकी कलाई में मोच ना आ जाए, नहीं तो लोग टूंडा कहेंगे। निकल जा यहाँ से, आज से तेरी नौकरी खत्म। अरे जिस घर में तू घुस आया उस घर में नौकरी कौन करेगा? ये ले संभाल चाबी और बन जा इस घर का ड्राइवर। माँ, मैंने नौकरी छोड़ दी। क्यों, क्या हुआ? मेरा वो सतीश के बच्चे से झगड़ा हो गया, न जाने वो कानिया अपने आप को क्या समझता। मुझे तो उस घर की बर्बादी पर रोना आता है, जी में आता है कि उर्वशी महिला आश्रम पर जाकर एक बम फोड़ दूं। उर्वशी महिला आश्रम? हाँ, और वो सावित्री देवी गिटकी है ना, उसका खून कर दूं। उर्वशी महिला आश्रम, सावित्री देवी, क्या तू उसे जानता है? अरे माँ, वही तो है फसाद की जड़, उसी ने सारी आग लगाई है। न जाने इतने सालों के बाद में कहाँ से आन टपकी। और अब वो कहती है कि सतीश कैलाशनाथ जी का बेटा है जो उसकी गलती से बदल गया था, और सेठ जी उसकी जगह विजय को उठा लाए थे। विजय वो लड़का है जिसे कैलाशनाथ जी आश्रम से उठा लाए थे? हाँ माँ, लेकिन तुम क्यों परेशान हो गई हो? विजय मेरा बेटा है, बहुत साल पहले की बात है। उर्वशी महिला आश्रम से कैलाशनाथ जी मेरे बच्चे को अपना बच्चा समझकर ले गए थे। क्या कह रही हो माँ? मैं ठीक कह रही हूँ, विजय मेरा बेटा है। विजय भैया, विजय भैया आपके बेटे हैं। मैं तुम्हारा बेटा नहीं। माँ, मैं तुम मेरी माँ नहीं हो। मैंने तो आज तक तुम्हें अपनी माँ समझा था, और आज तुम कह रही हो कि तुम मेरी माँ नहीं हो, तुम मेरी कुछ भी नहीं हो। तूने मेरी कोख से जन्म नहीं लिया तो क्या हुआ, लेकिन मैंने तुझे अपना दूध पिलाया है। तू मेरे बच्चे से कम नहीं है मेरे लाल। तू कहाँ जा रहा है? मैं जाके विजय भैया को लेकर आता हूँ, वो बहुत खुश हो जाएंगे। ये है लक्ष्मी बाई। कौन? सावित्री देवी। ठीक पहचाना, ये है मेरा लड़का सतीश राज। चलो हमारे साथ। कहा? मैं कहता हूँ चलो। चलो, मैं गोली मार दूंगा। छोड़ दो।
मां तुम भी इस पर नजर रखना, मैं इसके बेटे से निपट कर आता हूं। सावित्री, जीवन भर तुमने मुझे अपने बेटे के लिए तरसाया, लेकिन मैंने तुमसे कोई गिला नहीं किया। आज इस उम्र में मेरा बेटा मुझे मिला है, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। मेरा बेटा मुझे बंबई में आप मरने को किसने कहा ना तुझे? ले जाओ इसे। नहीं, सावित्री, बिना इजाजत के घर में आने की माफी चाहता हूं। गोगो ने ठीक कहा है, लक्ष्मी बाई तुम्हारी ही मां है। कंजब, यू आर अंडर अरेस्ट। दीवान ने सब कुछ कबूल कर लिया है। मैं मानता हूं कि तुम्हें काबिल पुलिस ऑफिसर हो, लेकिन अब देखना यह है कि तुम्हें अपनी माँ से कितना प्यार है। तुम्हारे मुंह से माँ जैसा पवित्र शब्द सुनना भी पाप है। माँ, माँ! गोगो, इतने जोर से मत चिल्लाओ। वो बिचारी इस घर में कहाँ है जो तुम्हारी आवाज सुनेगी? कहाँ है मेरी माँ? बताओ कहाँ है मेरी माँ? मुझे खुशी है कि तुम्हें अपनी माँ का इतना ख्याल है। अब हम बिजनेस की बात कर सकते हैं। मेरी जान तुम्हारे हाथ में है और तुम्हारी माँ की जान मेरे हाथ में है। मेरी माँ तुम्हारे कब्जे में? हाँ, मैं जानता हूं कि तुम सीआईडी वालों को उस वक्त तक चैन नहीं आएगा जब तक फांसी का फंदा मेरे गले में ना पड़ जाए। इसलिए मैं तुमसे सिर्फ 24 घंटे की मोहलत चाहता हूं। इस दौरान में मैं सेठ कैलाशनाथ गुप्ता का अकलौता बेटा होने के नाते उनकी बेशुमार दौलत में से थोड़ी सी रकम लेकर अपनी माँ के साथ किसी दूर ऐसी जगह चला जाऊंगा जहां कानून के लंबे हाथ मेरी गर्दन तक न पहुंच सके। तुम जमीन के नीचे भी छुप जाओगे, मैं तुम्हें निकाल कर फांसी के तख्ते पर चढ़ा दूंगा। उसके लिए तो मैं इस वक्त भी हाजिर हूं। ये लो, डाल दो हथकड़ियां और साथ ही अपनी माँ की चिता भी तैयार कर लो। नहीं विजय भैया, इसकी बात मान लो, माँ सिर्फ तुम्हारी माँ नहीं, वो मेरी भी माँ है। मैंने भी उसका दूध पिया विजय भैया। मेरी समझ में नहीं आता कि तुम दोनों झगड़ा क्यों कर रहे हो। मैं यूं करता हूं कि लक्ष्मी बाई के दो टुकड़े करवाकर एक तुमको भिजवा देता हूं और दूसरा गोगो को। तेरे टुकड़े तो मैं करूंगा। विजय भैया, इस कुत्ते की बात मान लो, इसे 24 घंटे की मोहलत दे दो। गोगो, मेरे फर्ज का सवाल है, मेरी ड्यूटी है, मैं इसे कानून के हवाले कर दूं। माँ के लिए भी तो तुम्हारा कोई फर्ज है। तू क्यों नहीं समझता ये तेरी दौलत हड़प करना चाहता है? माँ से बढ़कर इस दुनिया में और क्या दौलत हो सकती? इसकी बात मान लो और माँ को बता लो। गोगो, ये तो तुम समझ सकते हो क्योंकि तुमने मां का प्यार पाया है। विजय के नसीब में ये शुक्रिया। 24 घंटे के बाद तुम्हारी मां यहां पहुंचा दी जाएगी। उत्तम मंजे उत्तम जा, चलिए मेरे साथ, मैं बताता हूँ मां जी कहां है। अरे अब्बास जूनियर, जल्दी चल, जल्दी चल। पीछे का दरवाजा। मैं सीआईडी ऑफिसर विजय गुप्ता अपनी माँ को लेने आया हूँ। अगर किसी ने मेरा रास्ता रोकने की कोशिश की तो अंजाम बुरा होगा।
बंद कर दो इस बुढ़िया को और जाओ जल्दी से पुलिस। अच्छा चलिए बुढ़िया। गो गो सिर्फ 24 घंटे की मोहलत मांगी। चला। अब मैं तुम्हें और तुम्हारी मां दोनों को जहन्नम में पहुंचा। लेकिन विजय भैया मेरी एक बात समझ में नहीं आती, मैं कैलाशनाथ जी का बेटा कैसे बन गया? अरे बुद्धू ये तो सीधी सी बात है, मेरी माँ और कैलाशनाथ जी की पत्नी यशोदा देवी यानी कि तुम्हारी माँ दोनों ने उर्वशी महिला आश्रम में दो बच्चों को एक साथ जन्म दिया यानी तुम्हें और मुझे। और जब कैलाशनाथ जी तुम्हें लेने आश्रम पहुंचे तो सावित्री देवी ने तुम्हारी जगह मुझे दे दिया। मैं इस घर में ऐश करता रहा और तू ड्राइवर बना रहा। मैं तो इसका मतलब ये कि आप नकली थे और मैं असली था। मैं ड्राइवर नहीं हूं, मैं करोड़पति कैलाशनाथ जी का बेटा हूं। करोड़ गोगो गोगो इंस्पेक्टर उसे पकड़ लो। बेटी इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ।
भाई हम तो अपनी दोनों बहुओं के बीच में खड़े होंगे और तुम दोनों मेरे दोनों बेटों के साथ खड़े स्टडी प्लेस। एक मिनट, गोगो कहाँ गया है? गोगो गोगो बेटा जल्दी आओ जी साहब। ये क्या, ये ड्राइवर की वर्दी क्यों पहन रखी साहब? मोटर के बाद में मोटर भी तो मुझे चलानी। बेवकूफ, अब तुम ड्राइवर थोड़े ही हो, अब तो तुम करोड़पति सेठ कैलाशनाथ गुप्ता के करोड़पति बेटे गोगो कुमार गुप्ता हो। साहब मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं करोड़पति का बेटा बन गया हूँ या आप ड्राइवर के बाप बन गए। ये रहा ड्राइवर का बच्चा, मुझे करोड़पति का बेटा कहकर मुझे झांसा दिया, इन्होंने मेरे बेटे को छू किया। जनाब अब ये ड्राइवर का बच्चा नहीं है, अब ये करोड़पति सेठ कैलाशनाथ गुप्ता का बेटा है। समझिए आप, गुस्सा थोक दीजिए, फोटो उतरवाने के लिए मेरे साथ खड़े हो जाइए। संधि जी स्टडी प्लेस। आपका संधि।